हेलो स्टूडेंट्स नमस्कार मैं मैम बलडोदिया सीकर सीएलसी से फैकल्टी इन बॉटनी आज बायोकेम डीटीएस का फिफ्टींथ पेपर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉरिंग प्लांट्स बायोकेम डीटीएस सीएलसी का यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी है तो आइए कंप्लीटली एनसीआरटी ओरिएंटेड इस पेपर को थ्रू आउट हम डिस्कस करते हैं हर एक ऑप्शन के कंसेप्ट लॉजिक्स और इन्फॉर्मेशन के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्लॉर एंड फ्लोरल पार्ट शो ए अमेजिंग रेंज ऑफ द एडेप्टन टू फ्लॉर और फ्लोरल पार्ट है फर्स्ट ऑप्शन लिखा है मेंटेन करने के लिए ऐसा करते हैं पॉलिनेशन सक्सेसफुली परफॉर्म करवाया जा सके एंश्योर द वेरिएबिलिटी ड्यूरिंग डेवलपमेंट वेरिएबिलिटी डेवलप करवाने के लिए फर्दर जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होंगी वो

प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है स्टूडेंट वो क्या जनरेट करता है आपको दिया गया है लॉन्गर वायबिलिटी ऑफ सीड्स ये स्टूडेंट स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करेगा प्रोलॉन्ग डॉरमेंसी ये भी स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है आपने जैसे पढ़ रखा है टेन थाउजेंड ईयर्स तक की डॉर्मेंसी जो प्लांट्स में, में होती है टिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू द वेरिएशन डेफिनेटली स्टूडेंट्स जो सेक्सुअल रिपोर्डक्शन है वो न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करता है जो वेरिएशन को क्या करवा देते हैं लीड करवा देते हैं और लार्ज बायोमासनिक मैटर के फॉर्मेशन को इंडिकेट करता है सो द स्टूडेंट करेक्ट आंसर विल बी दर्ड नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रॉपिगेशन इन एनजीओ कौन सा एनजीओ में वेजिटेटिव प्रोपीकेशन का एग्जाम्पल नहीं है स्टूडेंट एक आपको दे रखा है बल्ब इन ऑनियन डेफिनेटली होगा राइजोम आपको दे रखा है लीफ बर्ड इन ब्रायोफिल्म दे रखा है ये सारे वेजिटेटिव प्रोपीकेशन के एग्जाम्पल हैं जैसे आप अगर बात करें तो आप ये देखते हैं बल्ब है क्रॉम है राइजोम है, है ट्यूबर है और इसके अलावा लीफ बर्ड ब्रायोफिल्म ये सब आपको एनसीआर में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं बट जेम्यूल्स इन स्पॉन्सली है वो इंटरनल बर्ड्स का एग्जाम्पल है बट नॉट द एग्पल ऑफ एनजियो प्लांट सो इंटरनल बर्ड फॉर्मेशन स्टूडेंट्स यहां होता है करेक्ट आंसर होगा फोर्थ तो आपसे पूछा है नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन क्लियर नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर फोर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इन पिस्टिया अकर बाई देखिए पिस्टिया जो है स्टूडेंट्स इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होता है तो आपने ये पढ़ रखा है कि जो वाटर सरफेस है जैसे ये वाटर सरफेस है स्टूडेंट्स इस वाटर सरफेस के ठीक ऊपर क्लस्टर ऑफ लीव्स बनता है जिसको रोजेट आप कहते हैं और नीचे टफ टॉप रूट्स का फॉर्मेशन होता है इन बिटवीन जो स्ट्रक्चर होती है वो स्वेलअप हो जाती है और ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको आप बोलते हैं ऑफसेट तो हिंदी में आप इसको कह सकते हैं ऑफसेट को भूस्तारी का रनर सकर स्टोलन ऑफसेट रनर ऊपरी भूस्तारी सकर अंत भूस्तारी स्टोलन भूस्तारी और ऑप्स भूस्तारी का सो एक्टली स्टूडेंट सेकंड करेक्ट स्टेटमेंट अंडर फेवरेबल कंडीशन द अमीबा डिवाइड बाई मल्टीपल फीजन स्टूडेंट स्टेटमेंट सही है अमीबा देखिए क्या करता है जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है यहां मैं मैंशन कर देता हूं अनफेवरेबल कंडीशन में आप ये कह सकते हैं एनसेस्ट होता है

वो कह रहा है कि हमेशा या सदैव जो है वो सिस्ट वोल में या पुटिका में ही बने रहेंगे ये सही नहीं है तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट ए और बी जो है वो यहां करेक्ट है और सी यहां इनकरेक्ट है तो आपसे पूछा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट के रेफरेंस में आपको यहां बताना है ऑनली सी द फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स फोर्थ आंसर यहां करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर सिक्स वेजिटेटिव प्रॉपिगेशन इन मिंट देखिए ये मिंट

उनकी पॉपुलेशन को स्टूडेंट्स आप क्या कहेंगे तो एक तरफ देखिए लिखा है कैलस नहीं क्लॉन डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा एक तरफ स्टूडेंट्स मेंशन किया गया डीम और दूसरी तरफ ये मेंशन किया गया एग्रीगेट तो एग्रीगेट तो जो है वो बेसिकली समूहक होते हैं और ये जो डीम है ये स्टूडेंट्स लोकल पॉपुलेशन को कहा जाता है जो लोकल पॉपुलेशन है किसी पर्टिकुलर एरिया की उसको डीम पॉपुलेशन आप कहते हैं तो ये नहीं होगा आंसर यहां हो जाएगा सेकंड वन सेकंड वन विल बी द करेक्ट आंसर

स्टेशन अभी आपने डिस्कस किया था अमीबा में जिसमें आप ये कह रहे हैं एनक्लोजर बनेगा और स्पोरुलेशन में स्टूडेंट्स आप कहेंगे स्पोर फॉर्मेशन होगा सो एग्जैक्टली द द आंसर विल बी सेकंड नेक्स्ट वन वन क्वेश्चन नंबर इज मोस्ट करेक्ट इन रेफरेंस ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्लांट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांट्स में जो है वो मोस्ट करेक्ट रेफरेंस क्या है पादपों में अलैंगिक जनन के संबंध में कौन सा एक सही है देखिए अनएम्बिग्यस कंडीशन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अप्लाई होती है एनसीआर कंडीशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए लिखी है लेकिन आप ध्यान रखें जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्टूडेंट फ्रिक्वेंट होता है फ्रीक्वेंटली अपियर होता है कॉम्प्लेक्स नहीं होगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और आप ये कह सकते हैं स्लो जो प्रोसेस है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है सो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ जो है वो करेक्टन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड सेकंड वन इज द फीचर ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट ऑल ऑर्गेज रिक्वायर ए स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी जितने सारे ऑर्गेनिज एक ग्रोथ्योरिटी से, से पहले एक स्टेज रिक्वायर करते हैं क्वेश्चन आपको स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी एक ग्रोथ और मेच्योरिटी की स्टेज रिक्वायर करते हैं बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ विजिटेटिव फेज और उसके बाद में इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है यहां रिप्रोडक्टिव फेज तो रिप्रोडक्टिव फेज के इंट्रोडक्शन से पहले किसकी रिक्वायरमेंट है तो है है जो वेजिटेटिव वेजिटेटिव फेज 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 होती बच्चों इस को ही हम कह सकते हैं जुवेनाइल देखिए यहां एक ऑप्शन फर्स्ट जुवेनाइल फेज है करेक्ट होना चाहिए बाकी देख लेते हैं सीडलिंग फेज सीडलिंग फेज इज द फेज आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ सीड और फ्लॉरिंग फेज जो है वो आप रिप्रोडक्टिव फेज को ही कहते हैं जबकि क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि इससे पहले क्या चाहिए और एक डायरेक्ट रिप्रोडक्टिव फेज ही लिखा है तो स्टूडेंट आंसर हो जाएगा जुवेनाइल फेज फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन द मोस्ट कॉमन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर फॉर्म इन एलगी एलगी में मोस्ट कॉमन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स बात की जा रही है तो देखिए कॉनेडिया का फॉर्मेशन फंजाई का फीचर है बर्ड्स आप कह सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में बनते हैं और बेसिकली का बेसिकलीस्टिक फीचर होता है जेम्यूल्स जो हैं वो बच्चों आपको पता है

अब देखिए जिनमें वेरिएशन ज्यादा आएंगे आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स जो वेरिएशन हैं और वेरिएबिलिटीज हैं ये वेरिएशन और वेरिएबिलिटीज का आना वेरिएशंस का लीड करवाया जाना आप ये कह सकते हैं सर्वाइवल को भी डेफिनेटली बढ़ाएंगे फिर लिखा है डिग्रेड रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिल्कुल भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिग्रेड नहीं करेगा एक तरफ आप कह रहे हैं वेरिएशन लीड करवाए जाने से सर्वाइवल बढ़ेगा तो नए विभिन्नकों को उत्पन्न करेगा लाभदायक जीवन यापन वाली अवस्थाएं बढ़ाएगा जनिक स्वास्थ्य को घटाता है यह सही नहीं है फर्स्ट और सेकेंड सही है इसलिए आपका आंसर हो जाना चाहिए मोर देन वन फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन द इंटरनल फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्रेंसिएशन ऑफ फ्लोरल प्राइमोडिया NCRD का सेंटेंस स्टूडेंट जहां आपको फ्लोरल प्राइमोडिया से फ्लॉर फॉर्मेशन की बात आपसे कर रहा है तो देखिए ये फीमेल सेक्स और ये इसके साथ हम जानते हैं मेल सेक्स की एग्जिस्टेंस है ये फीमेल और ये मेल सेक्स ऑर्गन अब आपको कह रहा है कि फ्लोरल प्राइमोडिया जो है उसका डिफ्रेंसिएशन से फ्लॉर जब बनता है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है पुष्प में पुष्प आध्य के विभेदन हेतु उत्तरदायी आंतरिक कार्य की कारक इंटरनल फैक्टर कह रहा है स्टूडेंट्स प्रकाश ताप और आद्रता एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं तो ऑबियस है इंटरनल फैक्टर यहां आपके पास हो जाएगा हॉर्मोन द इंटरनल फैक्टर नेक्स्ट वन ए टिपिकल एंथर इज एंड ये स्टूडेंट्स बड़ा कंफ्यूजन होता है इसको मैं क्लियर कर दू डिकस कंडीशन आपको कहा है, कह रहा है बाईल कंडीशन भी आपको साथ में बताई जा रही है तो ये आप क्लियर कर लें इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो ये देखिए ये जब दिखाई देता है बाहर से ये बाइलॉब्ड है और इसका ट्रांसफर सेक्शन आपने जब लिया तो बाईल एंड ईच लॉब हैविंग टू थीका ये एनसीआरटी ने लिखा है ईच लोब थीका सो टू लॉब्स इन एंथर तो आपको कह रहा है टिपिकल एंथर इज बायोब्ड डेफिनेटली दो लोब है बट

क्लियर नेक्स्ट वन फिफ्टीन द प्राइमरी इवेंट ज्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मैक्म एनजियो मैक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में सबसे पहले होने वाला जो इवेंट है प्राइमरी इवेंट है वो क्या होगा ओपनिंग ऑफ फ्लोरल डेफिनेटली सबसे पहले यही ओपन होगी डायसेंस ऑफ एंथर उसके बाद होगा इसका अगर सीक्वेंसिंग मैं करूं तो ये सेकंड हो जाना चाहिए उसके बाद डायसेंस ऑफ द फ्रूट ये सबसे लास्ट का इवेंट होना चाहिए ओपनिंग ऑफ द वेजिटेटिव बर्ड इसकी रेलिवेंसी नहीं है तो स्टूडेंट्स यहां ओपनिंग ऑफ द फ्लोरल वर्ड जो होगा

और वो ऑलवेज जो है वो डायसेंस ऑफ एंथरलोब एंथरलोब के डायसेंस के लिए उसको खुलने के लिए हेल्प करते हैं तो यहां आंसर हो जाएगा फर्स्ट सिक्सटींथ का आंसर हुआ स्टूडेंट्स फर्स्ट नेक्स्ट ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टेट्रार्ड ऑफ पॉलन ग्रेन इज कवर्ड बाई कैलोज तो आप ये देखते हैं कि जैसे ये टेट्रार्ड बना एक आइसोबायोलिटिकल टेट्रार्ड अगर मैं बना दूं तो इस टेट्रार्ड में ये कॉमन कैलोज़ वॉल स्टूडेंट्स एक बन जाता है ये आप देखिए यहां इस तरीके से माइक्रोस्पोर्स अरेंज कर रहा हूं मैं ब्लैक से बना रहा हूं जिससे थोड़ा सा हम डिफ्रेंशिएट कर सकें इसको ठीक है स्टूडेंट्स तो ये माइक्रोस्पोर्स है अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जो बन गया माइक्रोस्पोर टेट्राड बनने के बाद वो कह रहा है कि यहां जो कॉमन कैलोज डिपोजिशन होता है ये कॉमन कैलोज डिपोजिशन इसकी बात कर रहा है यहां कोलो डिपोजिशन होता है कॉमन कैलोस डिपोजिशन आप देखिए एनसीआर में एक आपको जो है वो है वो डायग्राम दे रखा तो ये कॉमन कैलोस डिपोजिशन हुआ क्यों है ये इसलिए हुआ है जिससे ये माइक्रोस्पोर्स अपने आप को डेवलप कर सकें और जैसे ही अपने आप को डेवलप करते हैं डेफिनेट टाइम लेते हैं डेवलप कर लेते हैं वैसे ही कैलोज जो है वो आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स यहां से क्या हो जाने लगेगा डिजोल्व होगा और कैलोज के डिजोल्व होने के बाद यहां एग्जैन की पैटर्निंग शुरू हो जाएगी इसको आप कहेंगे फर्दर पॉलनविल सो द डेवलपमेंट ऑफ ऑव्यूल ऑव्यूल का कोई कंसर्न नहीं है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर डेफिनेटली सेकंड ही आंसर होना चाहिए आगे पढ़ लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोर है डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंथर का डेवलपमेंट पहले हो चुका तभी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ है सो so सेवेंटीन का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट सेकेंड नेक्स्ट वन ग्रेन ऑफ एन एलियन प्लांट स्पीसीज कोच एक एलियन प्लांट स्पीसीज का जो ग्रेन है वो एलर्जी कोच करता है तो देखिए चाइना रोज आपको दे रखा है गुड़हल एलर्जन नहीं है कैलोट्रोपिस आक आपको दे रखा है स्टूडेंट्स पार्थेनियम आपको दे रखा है बहुत प्रॉपर आप जानते हैं पार्थेनियम को कैरेट ग्रास कहा जाता है इकोलॉजी में भी बच्चों आपको एग्जाम्पल्स दे रहे हैं जिसमें आप कह सकते हैं लेंटाना है पार्थेनियम है और उसके अलावा आइकोर्निया है ये एलियन स्पीसीज है जिनके पॉलन ग्रेन जो है वो एलर्जी कोच करते हैं यहां आइकोर्निया एलियन स्पीसीज है लेकिन पार्थेनियम के पॉलन ग्रेन ही क्या करते हैं एलर्जी कोच करते हैं एलर्जन है ठीक है तो आंसर हो जाएगा थर्ड क्स्ट हाउ मेनी एंजोस्पे आउट ऑफ गिवन एग्जाम्पल्स तो इसमें अगर आप देखें तो वीट में नहीं होगा पैडी में नहीं होगा पपाया में स्टूडेंट्स काफी सारे होंगे वॉटरमेलन एंड ऑर्किड्स तो पपाया वॉटरमेलन एंड ऑर्किड्स तो इसलिए आंसर आपका हो जाना चाहिए थर्ड आपसे पूछा गया है कितने आवृत बीजी अंडासय में अनेक बीजांडो की उपस्थिति होती है तो बहुत सीधा ध्यान रखें आप अनेक बीजांड की ओव्यूल की बात कर रहा है इसका मतलब दे कंटेन मैनी सीड्स और आपको पता है यहां बहुत सारे सीड्स जो हैं, वो पपाया वाटरमेलन और में होते हैं। 20th, secreted by, students secret किया जाता है, तो मिडिल नहीं, नहीं, नहीं होगा आपको पता है tapitum, और इस को हम इसलिए भी रेफर कर सकते हैं। देखिए टैपिटम जो है वो एक्साइन की पैटर्निंग में हेल्प करती है एक्साइन

नी पॉलन मदर सेल्स आर रिक्वाय टू फॉर्म एटी मेल गैम आपको पता है स्टूडेंट्स एक जो माइक्रोस्पोर टेट्राइड आप पढ़ते हैं इस का जो हुआ है, ये फॉर्मेशन स्टूडेंट्स एक एमएमसी से हुआ है वन पीएमसी एम पोलन मदर सेल और एमएमसी इससे चार माइक्रोस्पोर बने हैं और एक जो है वो एट गैमेट्स को रिप्रेजेंट करेगा मतलब एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बिकॉज ईच विल प्रोड्यूस दू गट्स यहां एट्टी मेल गेमिट्स पूछे तो आपको पता है कितनी पीएमसी होनी चाहिए टेन रिक्वायर्ड क्लियर नेक्स्ट स्टूडेंट्स 22 हमने डिस्कस कर लिया 23 पे आ रहा हूं मैं मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन एक आपको दे रखा है स्टूडेंट्स फ्यूनिकल फ्यूनिकल आपको पता है स्टार्क ऑफ ऑव्यूल होता है उसके बाद इंटेग्यूमेंट आपको स्टूडेंट दे रखा है प्रोटेक्टिव एनवेल ऑफ ऑब्यूल होता है आप देख लीजिए तो फर्स्ट uh, फ्यूनिकल के लिए बी है उसके बाद में सेकंड के लिए सी है थर्ड के लिए डी है बी सी डी ए बी सी डी ए ये फर्स्ट ऑप्शन ही आपका जो है वो यहाँ करेक्ट हो जाता है बीसीडीए करेक्ट मैच और करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन ट्वेंटी फाइव फोर वाट विल बी द मेन फंक्शन ऑफ जम स्टूडेंट जम का मेन फंक्शन क्या है तो आप ये देखते हैं ये पोलन ग्रेन है ये टू साइड स्टेज का पोलन ग्रेन है इस पर ये एग्जाइन है अब इसमें से देखिए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट और साइट हैं जहां आप ये कह सकते हैं जर्म पोर बनता है ये इनिशियली स्टूडेंट कैलोस डिपोजिशन होता है जैसे ये जर्मिनेट होगा तो आप ये कहेंगे ये डिजोल्व हो जाएगा तो ये जर्म पोर जो है दिस जर्म पोर एबल टू फैसिलिएट पोलन ट्यूब तो ये पोलन ट्यूब को फैसिलिएट करता है

पैटर्न एंड डिजाइन ये डेफिनेटली सही होगा सो स्टूडेंट्स आपसे यहां पूछा है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा तो ए एंड डी करेक्ट है तो देखिए ए एंड डी आर करेक्ट इसका फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाना चाहिए ए एंड डी आर करेक्ट और अगर आप देखें तो उसके बाद में सब में करेक्ट लिखा है अगर लिखा होता बी और सी इन करेक्ट तो वो भी आंसर हो सकता था क्लियर सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे चलते हैं ट्वेंटी सिक्स ट्रिपल फ्यूजन इन एनजीओ फॉर्म Is the of with. तो देखिए आपको पता है सेकंड गैमेट फ्यूज होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ और ये बनाता है प्राइमरी एंडोस्फम न्यूक्लियस तो आप ये कह सकते हैं सेकंड गैमेट फ्यूज विद यहां लिखा है एंटीपोडल सेल वन इनर्जेट कोई मतलब नहीं है एंटीपोर्डल सेल

फिर लिखा है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन ये फ्यूजन है ये भी नहीं होगा एपोमिक्सिस एसन डेफिनेटली स्टूडेंट्स ये होगा जिसमें आप ये कह सकते हैं इट इज अवे मिंगलिंग ऑफ गैमिट्स अवे फ्रॉम मिक्सिंग ये मिक्सिंग नहीं होने देगा गैमिट्स की मतलब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा और इसी से आपको करेक्टराइज करना था तो ट्वेंटी जो है उसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स थर्ड नेक्स्ट वन स्टामिन exactly uh, तो 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 ही है उसमें जरूरी नहीं है हटाना पड़े आपको एक आपको नपुसंक दे रखा है न्यूट्रल फ्लॉर कोई इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि फर्टिलाईजन हो ही नहीं सकता है बाई सेक्शुअल फ्लॉर में आपको हटाना पड़ेगा और जो पहले से ही पिस्टिलेट है उसमें की ए, की जैसी स्थिति पहले से ही है उसमें मेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 28, from pericarp, from pericarp कौन सा फ्लोरल पार्ट जो है वो पेरी बनाता है तो पेरीकार्प आपको पता है स्टूडेंट्स फ्रूट वॉल होती है और ये जो फ्रूट की वॉल है फ्रूट की जो

आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन लीड करवाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में भी टू डिफरेंट वेरिएंट्स आप लाके क्या करवाएंगे फ्यूज तो आपके पास यहां आंसर हो जाएगा साइंटिस्ट यूज द एपोमिटिक जीन्स क्लियर थर्टी वन स्पीसीज कॉन्टिन्यू टू लिव थ्रू द मिलियंस ऑफ इयर्स विच वन बायोलॉजिकल प्रोसेस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन दिस कंटिन्यूटी

उसका ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ तो डेफिनेटली ये जो है उसका आंसर होगा म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म तो में जो म्यूटेशन का प्रोसेस है वो तो आप ये कह सकते हैं अनप्रिडिक्टेबल चेंज करवा देता है और शॉर्ट लाइफ स्पान का कोई रिलेशन यहां नहीं है तो लाइफ की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन मस्ट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ठीक है नेक्स्ट वन स्टूडेंट थर्टी टू एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी एंड इट्स यूज आर बाय द सिग्निफिकेंट रिसर्च वर्क ऑफ इंट्रोडक्शन में दे रखा है प्रोफेसर पंचानंद माहेश्वरी ने ऐसा किया था प्रोफेसर पंचानंद माहेश्वरी के कंट्रीब्यूट वर्क से हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जो प्रायोगिक भ्रोणी की है इस प्रायोगिक भ्रोणी की तथा इसके वर्गी की अनुप्रयोग जो है वो महत्वपूर्ण शोध कार्यों के रूप में सिद्ध हुए उनको पॉपुलराइज करवाया था प्रोफेसर माहेश्वरी ने थ्री थ्री

तो यूजल फोमिन मतलब जनरली तो नहीं बनता था लेकिन फिर भी बन गया और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाया फिर लिखा है सिंपल एंड रैपिड प्रोसेस ऑफ ये डेफिनेटली होती है एक लिखा है जेनेटिकली जेनेटिकली नॉन 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 आइडेंटिकल 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 तो non -identical offsprings नहीं होंगे स्टूडेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉन आइडेंटिकल हो सकती है ए सेक्सुअल रिपोर्डक्शन में जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है इवन आप कंसिडर करते हैं क्लोन क्लियर तो यहां करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा फोर्थ ठीक है नेक्स्ट वन थर्टी फोर विच वन इज नॉट कंसर्न विद स्पोर फॉर्मेशन स्पोर फॉर्मेशन से कौन सा संबंधित नहीं है कॉनिडिया फॉर्मेशन कॉनेडिया स्पोर फॉर्मेशन फंजाई में बनता है पेनिसिलियम और एस्पर जिलासिस दो स्पेसिफिक एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ द माइटोस्पोर इन फंजाई डेफिनेटली एसेक् माइटोस्पोर फंजाई में बनते हैं जो आपको स्टूडेंट्स वहां दे भी रखे हैं ठीक है जिसमें जू स्पोर हो सकता है इसके अलावा अलावाडिया खुद हो सकता है एप्लेनो स्पोर्स हो सकते हैं जूस फॉर फॉर्मेशन इन क्लेमाइडोमोनास देखो जो है उसमें भी जूस फॉर फॉर्मेशन होता है मोटाइल स्पोर होता है एडवेंटियस बर्ड फॉर्मेशन इन ब्रायोफिलम ये स्टूडेंट्स लीफ बर्ड है इट इज नॉट कंसर्न विद स्पोरुलेशन और स्पोर फॉर्मेशन ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आगे करेगा और ऑर्गेनिज डेवलप कर देगा 35 द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड कैन नॉट रेड ऑफ मतलब एक एक्वेटिक वीड है आप समझ रहे होंगे आइकोर्निया की बात की जा रही है जिसको कंप्लीटली रेड ऑफ नहीं किया जा सकता जिससे पूरी तरीके से छुटकारा नहीं पाया जा सकता अब का है, करके दिया है, जो है इसके लिए लाया गया था यहाँ रेलिवेंसी नहीं है हाई रेट ऑफ स्पोरफॉर्मेशन रेलिवेंसी नहीं है एक्सटेंसिव इंटरक्शन विद इंसेक्ट्स होता है लेकिन यहाँ रेलिवेंसी नहीं है तो आपका स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फर्स्ट फर्स्ट आंसर विल बी द करेक्ट आंसर स्पोरोजिनस टीश्यू ऑफ एंथर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं तो देखिए पहली बात तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो टिश्यूज है ये होमोजेनस होंगे ऑबियस है होमोजेनस होने के साथ साथ स्टूडेंट्स इनका जो अरेंजमेंट है वो होता है कॉम्पैक्ट

तो ये माइटोटिकली डिवाइड होगी तो हमारे से यही पूछा गया करेक्टली डिफाइन जनरेटिव सेल ऑफ तो फर्स्ट सही है, हो गया। लिखा है, नहीं, ये होती है और वेजिटेटिव सेल के में फ्लोट करती है फिर लिखा है स्टूडेंट जनरेटिव सेल प्रोड्यूस नहीं करती इस वेजिटेटिव सेल से ही पॉलन ट्यूब डेवलप होती है तो ये भी इनकरेक्ट हो गया तो यहां करेक्ट आंसर जो है वो हुआ फर्स्ट क्लियर नेक्स्ट थ्री एट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट आंसर इन वेलिसनेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सर्फेस ऑफ वॉटर बाय लॉन्ग स्टार्क सही है एंड द मेल फ्लावर्स और आर रिलीज ऑन द सर्फेस ऑफ वॉटर ये स्टूडेंट सही लिखा है एनसीआरटी का स्टेटमेंट है में में आप देखते हैं कि मादा पुष्प लंबे द्वारा जल की सतह तक पहुंचता है और नर पुष्प अथवा पराग कण जल की सतह पर विमुक्त कर दिए जाते हैं बिल्कुल सही बात है पॉलिनेशन इन मोस्ट ऑफ वोटर पॉलिनेटेड स्पीसीज तो पहले ही हमें दे दिया इस पर फोकस करें हम वोटर पॉलिनेटेड स्पीसीज मतलब पहले ही ये कह रहा है कि वोटर के थ्रू पॉलिनेट होती है आकर थ्रू एयर एंड इंसेक्ट तो ये स्टूडेंट्स गलत हो गया अधिकतर जल परागित प्रजातियों तो बहुत साफ लिख दिया कि प्रजा, प्रजा, प्रजातियां क्या हैं जल परागित हैं और इसमें परागण वायु तथा कीटों के द्वारा होता है ऐसा नहीं होगा तो देखो ए तथा बी दोनों सही है नहीं है ए सही है और बी गलत है ए स्टेटमेंट जो करेक्ट है और बी इनकरेक्ट है तो यहां स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए इसका सेकंड आंसर हो जाना चाहिए क्लियर ये हुआ थ्री एट क्वेश्चन नंबर थ्री नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट

ये भी दोनों रिवार्ड होते हैं ये रिवार्ड है सेफ स्पेस इसको आप कहते हैं प्रोटेक्टिव रिवार्ड और जो प्रोटेक्टिव रिवार्ड है वो डायरेक्ट के बजाय बच्चों इनडायरेक्ट रिवार्ड होगा दिस विल बी द इनडायरेक्ट रिवार्ड तो इस तरीके से आपके पास बचा फ्रेग्रेंसेज एंड कलरफुल अट्रैक्टिव पेटल्स जो फ्रेग्रेंसेज और कलरफुल अट्रैक्टिव पेटल है ये रिवार्ड नहीं होता है इसलिए आपका आंसर होना चाहिए यहां फोर्थ जो थर्टी नाइन्थ है उसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स फोर्थ वन फोर्टी पॉलिनेशन गारंटी द ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन गारंटी द ट्रांसफर ऑफ तो देखो पॉलिनेशन कहते हैं किसको है ये जो स्टिग्मा है इस स्टिग्मा पर पॉलनग्रीन का आना पॉलिनेशन प्रोसेस है अब वो कह रहा है पोलिनेशन गारंटी द ट्रांसफर ऑफ पहले लिखा है कॉम्फिटेबल पॉलन ऑफ सेम स्पीसीज देखिए पॉलिनेशन जो है उसके कई मोड हैं वो एयर के थ्रू भी होता है वो वॉटर के थ्रू भी होता है इसके अलावा आप ये कहते हैं ये बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू भी होता है तो सर्टेनिटी की ज्यादा पॉसिबिलिटी तो इसमें है बाकी ये तो एनवायरमेंट के थ्रू होता है तो पॉलिनेशन गारंटी कॉम्पिटेबल पॉलन ग्रेन और सेम स्पीसीज का लाए जरूरी नहीं है क्योंकि सेम का ही अगर ला रहा है तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएंगी फिर बच्चों लिखा है कॉम्पिटेबल पॉलन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज तो डिफरेंट स्पीसीज के ला सकता है कॉम्पिटेबल पॉलन लेकिन सेम स्पीसीज को रोक ले ये भी पॉलिनेशन गारंटी नहीं देता कॉम्पिटेबल एंड नॉन कॉम्पिटेबल कोई भी आ सकते हैं ये ठीक बात है

यहां आता है बच्चों तो ये पोलन ग्रेन आने के बाद यहां जर्मिनेट होना शुरू होता है तो अब देखिए स्टिग्मेटिक टिश्यू तो स्टिग्मा और मेल गैमिटोफाइट के बीच एक कंटिन्यूस डायलॉग होता है तो यहां लिखा है इसका सिलेक्शन और रिजेक्शन जो है वो किसका रिजल्ट है इम्बिबेशन ऑफ द पोलन ट्यूब ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगा

को इंट्रोड्यूस करवाना है यहां तक पहुंचाना है तो करेक्ट आंसर आपके पास बच्चों क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम चूज दिस प्रोग्राम वो कह रहा है कृत्रिम संकरण उन्नत फसल कार्यक्रम की मुख्य तकनीक है तो इसमें क्या किया जाएगा यूज ऑफ द डिजायर्ड डेफिनेटली स्टूडेंट्सली रिक्वायर्ड है क्योंकि डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को यूज करके ही हम जो है

इसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है उसकी जरूरत ही नहीं है या फिर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्गेनिज्म है उनका इंटरफेर आप कह सकते हैं परमिटेड नहीं है सो यूज ऑफ द डिजायर्ड ग्रेन एक प्रोसेस जो है वो आपको यहां ऑप्शन दे रखा है हाँ जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 43 गैमेट्स आर हेप्लॉइड एंड यूजुअली डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ मियोटिक एक्सेप्ट इन इन्लॉइड ऑर्गेनिज्म ऐसा होना चाहिए एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर का जो कंक्लूजन है वहां स्टेटमेंट ये दे रखा है

तो ये देखिए संलयन दोहरा निषेचन कहलाते हैं केंद्रीय कोशिका त्रिगुणित हो जाती है तथा भ्रूण पोष में परिवर्तित होती है और युगमन जो है वो भ्रूण में बदल जाता है तो सेकंड आंसर विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट स्टूडेंट्स फोर फाइव एंडोस्पम इज कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ एंजोस्पम जो है वो कंज्यूम कर लिया जाता है तो यहां देखिए आप कहेंगे जो मोनोकोट और डाइकोट सीड्स हैं बेसिकली हम जो पढ़ते हैं उनमें एंडोस्पम एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स जो है वो कही जाते हैं तो जिनमें कंज्यूम नहीं किया जाएगा उनको आप नॉन एंड कहेंगे और जिनमें कंजूम कर लिया जाएगा उनको आप एंडोस्पर्मिक सीड्स कहेंगे तो यहां बच्चों आपको दे रखा है एंडोस्पम इज कंजूम तो ऑब्वियस है पी में कंज्यूम कर लिया जाता है इन तीनों में एंडोस्पम की प्रेजेंस होती है तो करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट नेक्स्ट फोर्टी सिक्स ए टिपिकल डाइकोटाइलिडोनस एम्ब्रियो ऑफ ए तो देखिए ट्रिपिकल डाइकोटाइलिडोनस एम्ब्रियो दे रखा है तो ए उसमें क्या होगा एम्ब्रियोनल एक्सेस होगी और डाइकोटाइलिडोनस एम्ब्रियो में एक अगर एम्ब्रियोनल एक्सेस होगी तो दो उसमें एम्ब्रियो होंगे सॉरी कोटाइलिडोन्स होंगे और फिर उसमें दे रखा है अबाउट द लेवल ऑफ कोटाइलिडोन तो वो एपिकोटाइल होना चाहिए ये एपिकोटाइल ठीक है और फिर लिखा है एंड टर्मिनेट विद द भी आंसर हो जाएगा सेकेंड नेक्स्ट वन फोर्टी सेवन द प्लॉरिडी ऑफ फंक्शनल मेगा स्पोर जो फंक्शनल मेगा स्पोर है ऑबियस स्टूडेंट्स मेगा स्पोर की प्लॉरिडी जो है वो एन ही होती है वो फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होता है तो ऑब्वियस है द प्लॉरिडी ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर विल बी हेप्लॉयड, थ्री विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट एजर्सन रीजन आपको दे रखे हैं देखिए ये कह रहा है सम फ्रूट्स आर सीडलेस और कंटेन नॉन वायबल सीड्स फ्रूटलेस एंड नॉन वायबल सीड्स कंटेन करते हैं सम फ्रूट्स आर सीडलेस सीड नहीं है इनमें और ये नॉन वायबल हैं तो ये पार्थेनोजेनेसिस का

सेल्स डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन लिखा है तो देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद में भी नहीं हो student, ही होना चाहिए सेल तो डीजनरेट हो जाती है प्राइमरी एंडोस्पम नहीं होती एग एंड एंटीपोडल तो इसमें एग सेल डीजनरेट नहीं होती है। तो है यहां आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट सेकंड क्लियर नेक्स्ट फाइव जीरो ंग फॉर आय आर्टिफिशियलेशन प्रोग्राम इनवॉल्व स्टेप वुट बी रेलिवेंट आपको स्टूडेंट तो आप या तो ये होगा पिस्टीलिट फ्लावर या फिर स्टूडेंट आप ये कहेंगे यहां जो फ्लॉवर्स होंगे वो कैसे होंगे स्टामिनिट तो देखो सबसे पहले वो कह रहा है बैगिंग ऑफ द फीमेल फ्लॉर हो सकता है क्योंकि अगर ये वाला है तो बैगिंग करनी पड़ेगी उसके बाद कह रहा है डस्टिंग ऑफ द ऑन स्टिग्मा ये भी करना पड़ सकता है की यहां नहीं पड़ेगी। तो वो कह रहा, कौन से एक पद की आवश्यकता नहीं होती है।, की नहीं हो तो 50 का जो है वो हो जाएगा आपके पास थर्ड नेक्स्ट वन इन एनजियोस्पम द मैथड ऑफ गैमेट ट्रांसफर गैमेट ट्रांसफर का मैथड क्या है ऑबियस अब पॉलिनेशन प्रोसेस ही यहां दे रखा है स्टूडेंट्स ये जो स्टिग्मा है इस स्टिग्मा पर

है। लेकिन टू एग सेल स्टूडेंट लिख दिया है सेकेंड क्लियर नेक्स्ट वन द मैचोर फीमेल रिप्रेजेंटेड बाय मैच्योर फीमेल आप कह दीजिए ये पॉलर न्यूक्लियाई है दोनों ये प्रेजेंस है इसको आप मैच्योर जो है वो कहते हैं, जो एम्ब्रियोसेक के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा फाइव फोर द एंजियोस्पर्म ओव्यूल सेंट्रल सेल एंड एम्ब्रियोसेक प्रायर टू एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब कंटेन्स वो कह रहा है एम्ब्रियोसेक

Uh, यहां मैं कह देता हूं ये जो है वो स्टूडेंट्स हो सकता है ये नहीं होगा एम्ब्रियो का पार्ट हो सकता है हार्ट शेप एम्ब्रियो हो सकता है फिर उसके बाद में दे रखा है फ्लैसी फ्रूट तो देखिए फ्लैसी जो है वो गवा ऑरेंज हो सकता है पेरिस्पर्म जो है वो आप जानते हैं रिमेन्स कंडीशन होंगी तो पेरिस पर कंडीशन ब्लैक पेपर और बीट हो सकता है तो डी में आपके पास सेकंड हो गया तो यहां अगर देखें तो शुरू में सारे जो डी हैं उनमें सेकंड ही दे रखा है आपको तो फिर देखिए ए जो है उसमें हाइपोकोटाइल कंडीशन दे रखी है तो फिफ्थ वन तो दे रखा है हाइपोकोटाइल जो है ये देखो ये एपिकोटाइल पोर्सन होगा ये एपिकोटाइल है ये हाइपोकोटाइल है तो है स्टूडेंट्स हाइपोकोटाइल रेडिकल और रूट टिप हो जाएगा हाँ तो ए में फिफ्थ हो जाएगा देखिए बी जो हार्ट सेव है एमरी फोर्थ हो जाएगा ठीक है ना सी में स्टूडेंट्स फ्लैसी फ्रूट दे रखा है तो हमें सिक्स कह सकते हैं डी जो पेरिस्पर्मिक है उसमें सेकंड कह सकते हैं और ई एपी ब्लास्ट में फर्स्ट आप कह सकते हैं तो ये एक तरीके से देखिए फिफ्थ uh, उसके बाद में फोर्थ वन सिक्स वन और सेकंड एंड फर्स्ट थर्ड आंसर करेक्ट आंसर यहां स्टूडेंट्स हो जाएगा क्लियर नेक्स्ट देंडोसपॉम इन एनजियोस्पम डेवलप फ्रॉम एनजियोस्पम में जो एंडोस्पम है वो कहां से डेवलप होता है तो ऑलवेज दैट डेवलप फ्रॉम द सेंट्रल सेल वो सेंट्रल सेल से ही क्या होता है बच्चों डेवलप होता है क्लियर नेक्स्ट कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट्स फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड अट्रैक्टिंग पॉलन ट्यूब इज डन बाई एक्सल बिल्कुल नहीं सिनर्जेट करती है ये ट्रिपल फ्यूजन प्रोड्यूस जायगोट ट्रिपल फ्यूजन जाइगो प्रोड्यूस नहीं करता प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस प्रोड्यूस करता है ट्रिपल फ्यूजन प्रोड्यूस प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस ये सही है एंड वेन पॉलिनेटेड फ्लॉव स्मॉल नहीं है स्टूडेंट तो यह भी इनकरेक्ट हो गया एक तरीके से सी जो है वो स्टूडेंट यहां मुझे करेक्ट देखने को मिल रहा है तो आपके पास पूछे इनकरेक्ट कितने हैं इनकरेक्ट हो जाएंगे थ्री सो द करेक्ट आंसर विल वि फोर उसके बाद फाइव नाइन The ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is a result of continuous dialogue between pollen grain and the pistil mediated by the chemical components of its interacting with those of pistil. तो so, देखो पूरा pollen-pistil interaction को brief कर दिया गया है कि under जो है वो परागकणों को पहचानने की उसमें क्षमता होती है और तो ये ये जो आपको कह रहा है कि वो pollen जो है इस pollen में chemical कौन synthesise करता है? तो देखिए ये आप कह रहे हैं grain है और ग्रेन की जो जो है 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 इस के के साथ साथ होता होता ये ये तो 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 का का कौन करता आप कहेंगे it will be secreted by the तो यहां फर्स्ट आंसर हो जाना चाहिए फिफ्टी नाइन का आंसर होना चाहिए स्टूडेंट्स फर्स्ट नेक्स्ट वन नेक्स्ट देखिए सिक्सटी फ्रॉम द गिवन हाउ मेनी इवेंट्स आर इंक्लूड अंडर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में कितने इंक्लूड किए जाएंगे तो देखिए ऑफ इनटू सीड डेफिनेटली पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट ही है डबल फर्टिलाइजेशन ये तो प्रॉपर फर्टिलाइजेशन इवेंट है फिर लिखा है ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट ये ओवरी जो है वो फ्रूट में मैच्यूरेशन आप ये कह सकते हैं बेसिकली पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में ही काउंट किया जाता है हालांकि प्रोसेस साथ साथ चल सकती है एंडोस्पम डेवलपमेंट डेफिनेटली एंडोस्पम डेवलपमेंट जो है वो भी होगा एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब इन टू एम्ब्रियो है एम्ब्रियो डेवलपमेंट तो एक तरीके से स्टूडेंट फोर इवेंट जो है वो यहाँ हो गए तो फर्स्ट आंसर हो जाना चाहिए सिक्सटी में जो करेक्ट आंसर होगा वो स्टूडेंट होगा फर्स्ट नेक्स्ट सिक्सटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट यूज बाय प्लान टू प्रिवेंट ऑटोगेमी देखिए स्टूडेंट इस प्रोसेस को आप ऑटोगेमी कह रहे हैं This process is known as autogamy, जिसमें ये ग्रेन जो है वो, वो पोलग्रेन स्टिग्मा पे आ गया है ठीक है सेम फ्लार में प्रोसेस हो रहा है अब एक तो कह रहा है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी तो किसको यूज नहीं किया जाता नॉट यूज डिवाइस इज नॉट यूज टू प्रिवेंट ऑटोगेमी तो देखो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी तो वह भी ऐसे ऑटोगेमी प्रिवेंट हो जाएगी ठीक बात है तो ये तो यूज की जाती है फिर कह रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर होंगे तो ओबीएस है फिर ऑटोगेमी प्रिवेंट हो गई फिर लिखा है होमोगेमी इन बायसेक् फ्लावर अगर बायसेक्सुअल फ्लावर्स जो हैं उन बायसेक्सुअल फ्लावर्स में होमोगेमी हुई तो होमोगेमी होने पर तो आप ये कहेंगे ऑटोगेमी जो है वो होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा लेकिन हम ये कह रहे हैं नॉट यूज्ड ओबीएस है इसको यूज नहीं किया जाएगा ना इसको अगर आप यूज करेंगे होमोगेमी को यूज करेंगे तो होमोगेमी के होने से तो ऑटोगेमी बढ़ जाएगी तो होमोगेमी को यूज नहीं किया जाता होमोगेमी को भी यूज नहीं किया जाता यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को भी यूज नहीं किया जाएगा सेल्फ इनकोम्पेटिबिलिटी जो है वो स्टूडेंट्स सेल्फ इनकोम्पेटिबिलिटी आप ये कह सकते हैं यूज की जाती है प्रोडक्शन ऑफ कैसमोगेमस फ्लावर्स तो जो कैसमोग फ्लावर्स हैं वो कैसमोगेमस फ्लावर्स अल्टीमेटली यहां जो है वो आप कह सकते हैं ओटोगेमी को प्रिवेंट करने के लिए काम में नहीं लिए जाते क्योंकि कैसमोगेमस फ्लावर्स होंगे तो आप ये कह सकते हैं एक्सपोज कंडीशन आएगी सो तो द तो करेक्ट आंसर विल बी द फोर्थ क्लियर नेक्स्ट वन द डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट एम्ब्रिय मोनोकोट और डाइकोट एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो स्टूडेंट्स ग्लोबल स्टेज ग्लोबुलर स्टेज तक सिमिलर टू

फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन तो देखो ये सीडलेस फ्रूट जो है ये पार्थनोकार हो गया पॉली एम्ब्रियोनी आप कह सकते हैं मोर देन वन एम्ब्रियो इन सेम सीड ये पॉली एम्ब्रियोनी हो जाएगा उसके बाद आपको एपोमिक्सिस दे रखा है सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन आप कह सकते हैं तो स्टूडेंट्स ए के लिए आपने कहा थर्ड और उसके बाद में आपने बी के लिए कहा सेकंड तो ए के लिए थर्ड है बी के लिए सेकंड है ये मुझे लग रहा है आंसर होना चाहिए फिर देख लेते हैं सी के लिए फर्स्ट है सीट फॉर्मेशन और डी के लिए आप ये कह सकते हैं फोर्थ है सोमेट्रिक सेल्स डेवलप हो रहा है तो यहां करेक्ट आंसर आपका हो गया सेकंड थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर थर्ड सेकंड फर्स्ट एंड फोर्थ क्लियर नेक्स्ट सिक्स फोर अगला देखिए सिक्स फाइव सिक्स फोर कंप्लीट कर चुके हैं हम स्टूडेंट्स देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गनिज लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया बिकॉज क्यों नहीं होता दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता हालांकि जो अमीबा है उसमें भी आप कह सकते हैं एंसेज फॉर्मेशन प्रोसेस ही होती है दे प्रोड्यूस ओनली बाय बाइनरी फीजन दे आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड पेरेंटल बॉडी लैक डिफरेंसीएसन स्टूडेंट सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो है वो इनमें नेचुरल डेथ नहीं होती बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डिफरेंसीएसन

हैबिटेट भी दे दिया फिजियोलॉजी भी दे दिया जेनेटिक मेकअप भी दे दिया तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाना चाहिए बच्चों फोर्थ फोर्थ वन अरेंज द ए बी सी डी इन ऑफ डाइकोट तो देखो सबसे पहले बच्चों आएगा ये वाला फर्स्ट उसके बाद में देखिए डिवीजन दिखा दिया ये सेकंड हो जाएगा उसके बाद आप ये कह सकते हैं ये थर्ड होगा क्योंकि ग्लोबुलर है दिस वन विल बी द फोर्थ एंड दिस विल वन बी द फिफ्थ तो यहां आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए बी सबसे पहले आना चाहिए बी वाला ऑप्शन देखिए आप बी फिर डी उसके बाद ए बी डी ए सी ठीक है तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर यहां हो गया फोर्थ वन क्लियर नेक्स्ट विच इज राइट अबाउट टू सीड ऑर्किड फ्रूट कंटेन अबाउट थाउजेंड ऑफ सीड्स ऑर्किड फ्रूट जो है थाउजेंड ऑफ सीड्स प्रेजेंट होते हैं ठीक बात है ऑर्किड कंटेंट इन सीड्स ये भी आप ठीक कह सकते हैं

तो पेन प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल तो कौन से डिवीजन होंगे है ये थ्री एन होती है इसमें स्टूडेंट्स माइट्रोटिक डिवीजन ही होते हैं माइट्रोटिक डिवीजन इसमें होते रहेंगे और आपको दे रखा है म्यूटिक डिवीजन डेफिनेटली म्यूटिक डिवीजन उसमें जो है वो स्टूडेंट्स नहीं होगा एंडो माइट्रोटिक डिविजन भी नहीं होंगे और फाइनली दे रखा है वन म्यूटिक थ्री माइट्रोटिक तो वहां माइट्रोटिक डिवीजन होते रहेंगे क्लियर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है आप जानते हैं इसमें होगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन

सेलुलर एंडोस्पम का डेवलपमेंट प्रोसेस हो जाएगा ठीक है उसके बाद सस्पेंसर अटेन इट्स मैक्सिमम साइज एज सस्पेंसर इसकी अपनी मैक्सिमम साइज का अटेन करता है तो देखिए ये ग्लोबुलर स्टेज का एम्ब्रियो अगर है तो ये सस्पेंसर जो इसके पास बना हुआ होता है सस्पेंसर मैक्सिमम साइज तब अटेन करता है जब उसको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के लिए जो है वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के लिए उसमें पुश कर दे किसमें Endosperm में एम्ब्रियो एंडोस्पम कर दे तो ग्लोबुलर स्टेज का जो एम्ब्रियो होता, होता है उसमें आप ये कह पाएंगे क्लियर सो करेक्ट आंसर विल बी द सेकंड इमरजेंस ऑफ रेडिकल इज रेडिकल का इमरजेंस हो so radical होना क्या इंडिकेट करता है ये एम्ब्रियोनल एक्सेस था ये रेडिकल यहां से निकला ये और ये आप जानते हैं सीड कोट है तो ये अपने आप में है फर्स्ट साइन ऑफ द जर्मिनेशन क्लियर फर्स्ट साइन ऑफ द जर्मिनेशन स्टूडेंट्स होगा तो यहां देखिए जो 75 है आपके पास 75 में हम आंसर लिख सकते हैं फर्स्ट साइन ऑफ सीड जर्मिनेशन क्लियर हाँ जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेवनटी सिक्स फर्स्ट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑवरी इन फ्रूट कम फ्रॉम तो देखिए जो पॉलिनेशन प्रोसेस होती है वहां से ओवरियन सेल्स मैच्योर होने के लिए आप ये कह सकते हैं फर्स्ट स्टिमुलस रिसीव करती है या सबसे पहले स्टिमुलस इसको मिलता है फर्स्ट देन पोलन ट्यूब एंटर करती है सेकंड स्टेज का स्टिमुलस है और फर्टिलाइजेशन के आप टाइम कह सकते हैं थर्ड स्टेज का क्या होता है स्टिमुलेशन प्रोसेस होता है सो so, आंसर हो जाएगा पोलिनेशन सेवन सेवन पार्थेनोकार कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू देखो किसके थ्रू इंड्यूस की जा सकती है मैच्युरेशन ऑफ ऑव्यूल ऑफ मैच्यवेरियन सेल्स एंड सीड पार्थेनो है तो आपको पता है यहां बनाए जाएंगे फ्रूट सो ऑब्बियस है देर विल बी द इंडक्शन ऑफ मैचुरेशन ऑफ ओवेरियन सेल्स क्लियर नेक्स्ट वन सेवन एट बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजी और बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजी से क्या हुआ बीजों के प्रकर्ण क्रियाविधि का बेहतर अनुकूल रणनीति है देखिए आसपास किसी एक पर्टिकुलर एरिया में स्प्रेड होने के बजाय आप ये कह सकते हैं वो वाइड एरियाज में स्प्रेड हो रहे हैं। तो डेफिनेटली है वो स्पर्धा कम हो रही है कंपटीशन कम हो रहा है फिर लिखा है टू कैच न्यू हैबिटेट्स ऑब्वियस है नई हैबिटेट्स में वो जाएंगे एक लिखा है टू टाइल्ड ओवर द इनफेवरेबल कंडीशन इनफेवरेबल कंडीशन से ओवर कर जाएंगी वो ऑब्वियस है यहाँ स्टूडेंट्स फोर्थ आंसर होगा जो सेवनटी है उसका करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा बच्चों फोर्थ सेवन नाइन स्टूडेंट्स वुड बी द जेनेटिक नेचर ऑफ एपोमेक्टिक एम्ब्रियो एपोमेक्टिक नेचर क्या होगी देखिए अकॉर्डिंग मतलब होंगे और ये पेरेंट स्पोरोस है जो फीमेल स्पोरोफाइट होगा उसके अकॉर्डिंग होंगे आइडेंटिकल टू द फीमेल पेरेंट क्लियर नेक्स्ट वन

एक हम पढ़ते हैं एपोस्पोरी प्रोसेस ठीक है यहां रिडक्शनल डिवीजन के फेलोर से ऐसा होता है यहां आप ये यह कह सकते हैं डायरेक्ट सेल जो है वो एमएमसी डिफरेंशिएट ही नहीं होगी सीधे ही डेवलप हो गई इसको एपोस्पोरियम कहते हैं और ये दोनों ही एक तरीके से एपोमिक्सिस का टाइप है तो एक तो आपको एपोस्पोरी डायरेक्ट दे रखा है अब वो कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम वेजिटेटिव सेल ऑफ द ओव्यूल जो ओव्यूल की सेल है इसका मतलब सेल किसकी है स्टूडेंट्स न्यूसिलस की तो न्यूसिलस की सेल से डायरेक्ट बनने का मतलब ये हुआ

कोलियोप्टाइल एंड स्कूटेलम तो देखो स्कूटेलम जो है वो कोटाइलेडोन है और ये एक्सेस का पार्ट दे दिया कोटाइलेडोन्स एंड स्कूटेलम तो ये दोनों डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कोटाइलेडोन्स ही हैं कोटाइलेडोन्स ही हैं इसलिए जो थर्ड स्ट्रक्चर है या थर्ड ऑप्शन आपके पास है बीज पत्र तथा स्कूटेलम वो सत्य समझात संरचनाएं हैं एक ही जैसी संरचनाएं हैं क्लियर एट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन बोथ स्टेप्स आर नॉट नेसेसरी कौन से में पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों स्टेप ही है तो देखिए इसमें आपको दे रखा है एम्फीमिक्स एम्फीमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है फिर आपको दे रखा है एपोमिक्सिस तो एपोमिक्सिस का जो प्रोसेस होगा बच्चों उस एपोमिक्सिस में आप ये कहेंगे यहां मिक्सिंग और मिंगलिंग ऑफ द गैमेंट नहीं होगी तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों जो है वो नेसेसरी नहीं है

एपी कार्पोसी का पार्ट ऊपर वाला है तो यहां आंसर हो जाएगा स्टूडेंट पेरी स्पर्मिक फोर्थ वन क्लियर एटी फाइव हाइब्रिड सीड्स है एवरी ईयर प्रोड्यूस किया जाना चाहिए क्योंकि देखो हाइब्रिड सीड्स क्या है हाइब्रिड हाइब्रिड नहीं रहते क्योंकि वहां जहां फील्ड में आपने कल्टीवेट किया है उसके आसपास क्रॉस पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी है तो ये कह रहा है हाइब्रिड प्लांट बिकम स्टेराइल नहीं होंगे दे शो मोर हेट्रोसिस इन कमिंग ईयर ऐसा भी नहीं है हाइब्रिड विगर इज नॉट मेंटेन बियॉन्ड वन जनरेशन एज सेग्रीगेशन ऑफ जी बिगे तो देखो सैग्रीगेशन हो जाएगा क्योंकि फर्दर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन की एक्टिविटी होगी तो यह पॉसिबल है और एक लिखा है हाइब्रिड इंडस्ट्री टें टू इनक्रीज कॉस्ट ऑफ द सीड्स ऐसा नहीं होगा तो स्टूडेंट्स एटी फाइव है उसका करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा थर्ड क्लियर नेक्स्ट वन हाउ मेनी स्टेटमेंट रिलेटेड विथ पॉली एम्ब्रियोनी आर करेक्ट इच ऑवल कंटेन ओनली वन एम्ब्रियो पॉली एम्ब्रियोनी नहीं हुई उट फर्टिलाइजेशन बिल्कुल ठीक बात है पोली एम्ब्रोनी के के केस में ये हो सकता है पोली एम्ब्रियोनी डेवलप ओनली थ्रू दिनगेमी प्रोसेस देखो स्टूडेंट सिंगेमी का मतलब प्रॉपर फर्टिलइजन होता है तो यहां बी और सी जो है वो स्टेटमेंट आपके पास सही है तो दो सही है दो गलत है अब देखिए ऑप्शन आपके पास सही कथन है दो ठीक है तो फर्स्ट आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा जो 86 है उसका आंसर होगा फर्स्ट क्लियर नेक्स्ट आपके पास है 87 सेवन हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट पूछे हैं इन रिलेशन टू द एंडस्प डेवलपमेंट एंडोस्पम डेवलपमेंट में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है एंडोस्पम डेवलपमेंट प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट ऑबियस पहले एंडोस्पम डेवलपमेंट शुरू होगा आप कह सकते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रोसीड होता है द मोस्ट कॉमन एंडोस्पम डेवलपमेंट इज फ्रू न्यूक्लियर टाइप ये भी स्टूडेंट सही बात है एंडोपम टीश्यू इज फिल्ड विद रिजर्व फूड मटीरियल एंड यूज फॉर द न्यूट्रीशन ऑफ डेवलपिंग फ्रूट डेवलपिंग फ्रूट नहीं स्टूडेंट डेवलपिंग सीड तो सी इन करेक्ट हो गया डी मैं पढ़ लेता हूं सराउंडिंग व्हाइट करकोनट इज द सेल्यूलर एंडोस्पम यह सही है तो यहाँ ए बी डी सही है इसका मतलब थ्री स्टेटमेंट्स यहां जो है स्टूडेंट सही है इसका आंसर होना चाहिए 87 सेवन का आंसर फोर्थ सो एटी सेवन द करेक्ट आंसर विल बी द फोर्थ एट वन पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर स्मॉल हो सकते हैं ब्राइट कलर प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ये हो सकता है आगे पढ़ लेते हैं

डिप्लॉयड स्ट्रक्चर क्या होगा सिनर्जिड एन होता है एंटीपोडल एन होता है पोलर न्यूक्लियाई भी एन होता है और सेकेंडरी न्यूक्लियस स्टूडेंट्स पोलर न्यूक्लियाई के मिलने से ही बनता है टू एन हो जाता है सो so में करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ठीक है फिर है स्टूडेंट्स नाइन जीरो वाई समाइम इवन डिप्लॉयड ऑफ स्प्रिंग्स इज प्रोड्यूस थ्रू पार्थनोजिस वो कह रहा है कि कई बार जो है क्यों कभी कभी जनन द्वारा द्विगुणित संतति भी उत्पन्न हो जाती है

इडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट के लिए क्या गलत है रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है ये स्टूडेंट आपसे पूछा है तो देखो ये कह रहा है द आउटर इंटेगमेंट ऑफ ऑव्यूल डेवलप्स इनटू टू टेगमेन देखिए आउटर जो है वो डेवलप होता है टेस्टा में और इनर डेवलप होता है टेगमेन में द प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस ट्रिपल न्यूक्लियस डेवलप इंटू द एंडोस्पम हाँ तो ये पैन स्टूडेंट्स कह रहा है आपको त्रियल नहीं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र तो ये पैन है और ये पैन जो है वो डेवलप हो जाता है किसमें एंडोस्पम्प इन ऑव्यूल डेवलप इन टू सीड ऑव्यूल सीड में, में डेवलप हो जाता है तो यहां जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो हो जाएगा सेकेंड सो स्टूडेंट्स नाइनटी जो है उसका आंसर आपके पास होगा सेकेंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या नहीं है

<coughs> नहीं होगी इट यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऐसा नहीं है unisexual flower में, ही के होता है है। ऐसा नहीं है। the most result is of the plants. Uh, इसका परिणाम जो है वो कह रहा है मुख्यतः उच्च उच उच उत्पादन है हाईल्ड जरूरी नहीं है यहां अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा होती है अनसर्टेनिटी तो ये अनसर्टेन है बच्चों तो यहाँ करेक्ट आंसर जो है वो 93 में हो जाना चाहिए आपका फर्स्ट द फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन नाइन फोर इन फ्लॉरिंग इन फॉलोइंग सॉरी विच लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरिंजिया डज नॉट डेवलप फ्रॉम द आर्किपोरिंजियम तो देखो आर्किस्पोरियम से जो डेवलप होता है

तो एंडोस्पम में स्टूडेंट्स क्या होगा एक तो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है एन प्लस एन आ जाते हैं तो अभी ऐसे 5, 5, 10 तो यही होगा और एक मेलगेमिट आता है 5 उससे आएंगे, तो फिफ्टीन फाइव लास्ट पढ़ लेते हैं नंबर ऑफ इन पोलर न्यूक्लियर ये तो फिफ्टीन फाइव एंड फाइव थर्ड आंसर विल बी द करेक्ट आंसर फिफ्टीन फाइव फाइव इसमें फिफ्टीन फाइव फाइव फिफ्टीन 1555 जो है वो करेक्ट आंसर है 1555 इसमें देखिए एक थोड़ा सा दिक्कत रह गई है पंद्रह पांच और पांच होना चाहिए था ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट स्टूडेंट नाइन सिक्स ऑल फ्लोरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल फ्लॉरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये कह रहा है सारे फ्लॉरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं बिल्कुल द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रूट एंड सीड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ प्लांट सारे ग्रुप्स में नहीं होता है इन एंजियोस्पर्म फ्रूट एंड सीड आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल ठीक बात है द द स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन तो आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स ए एंड सी करेक्ट है वाइल बी इनकरेक्ट है तो जो नाइन सिक्स होगा उसका आंसर स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा थ्री क्लियर नेक्स्ट वन नाइन सेवन सेल ऑफ टैपिटम टैपिटम की जो सेल्स हैं वो क्या होल्ड करती हैं तो देखिए ये टैपिटम न्यूक्लियस होता है तो देखो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड होगा एल्फाइलियम का है. ये पर होगा प्रोटेक्टिव स्पोरोपोलनिन ये भी उसी पे होगा तो यहां आंसर हो जाएगा आपके पास बच्चों फर्स्ट नाइन एट द स्पिंडल शेप ऑफ जनरेटिव सेल टू स्पिंडल सेप होने से क्या होता है ये मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया था थोड़ी थी। इसका स्पिडलिएट करता है Nine -nine. और पैटर्निंग कब होता है तो हमने ये डिस्कस किया था कि जो माइक्रोस्पोट है उसमें कॉमन कैलोज प्लग जैसे ही डिजॉल्व होता है वैसे ही जो है वो एक्साइन की पैटर्निंग और थिकनेस उसकी शुरू हो जाती है तो इट इज कंसर्न कॉम्प्लेक्स एंड हाईली रेजिस्टेंट फैटी सब्सटांसिस और वो जो है वो स्पोरो होता है जो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं उसकी क्या करता है पैटर्निंग तो सेकंड यहां करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स नाइन नाइन जो है उसमें हो जाना चाहिए हंड्रेड पे आते हैं लास्ट वन हंड्रेड लास्ट क्वेश्चन है द वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स द वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स इज हाइली वेरिएबल पोलन ग्रेन्स की जो वायबिलिटी है वो हाईली वेरिएबल है तो पराग कण की जीवन क्षमता उच्च विभिन्नता युक्त है पराग कण जो है उसकी जीवन क्षमता उच्च विभिन्नता युक्त है यह निर्भर करती है डिपेंड करती है तो एक तो लिखा है नेचर ऑफ डिविजन वाइबिलिटी दूसरा ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर है टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट इसके थ्रू आप ये कह सकते हैं उसकी वाइबिलिटी को चेक किया जाता है तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर हंड्रेड है इसमें आपका परफेक्ट आंसर होगा ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर वो कह रहा है वाइबिलिटी किससे वो है वो करती है क्या करती है डिपेंड किस पे करती है अगर कंसर्न विद होता तो ये और भी आंसर हो सकते थे तो इस तरीके से सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स इस पेपर में हंड्रेड क्वेश्चन से परफेक्ट एनसीईआरटी से बहुत कॉम्प्रीहसिव लेवल तक जाने की कोशिश करी गई है और उसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट को भी इन्वॉल्व किया गया है जैसा नीट के एग्जाम में आता है तो हमने जितने सारे क्वेश्चन थे उनके सारे ऑप्शन को कनेक्ट करते हुए इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करने का एफर्ट किया है आप लोगों को डेफिनेटली इससे फायदा होगा बायो कैम जो है वो उसको प्रॉपर फॉलो करते रहिए और इसके बाद आने वाले टाइम में एग्जाम तक आप अपने हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट अपना देने की कोशिश करिए निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी थैंक यू थैंक्स अलॉट हेलो बच्चों हम लोग बायो कैम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो यहां पर पहला क्वेश्चन दिया है पहला क्वेश्चन दिया है एथल डाइमीन इन एग्जाम्पल ऑफ एन लिगेंड लिगेंड मतलब जो तो एक किस प्रकार के लिगेंड का उदाहरण है तो आपको देखिए ऑप्शन को देखिए बच्चों ऑप्शन को देखिए मोनोडेट का ओ, ड्रा कर लो बच्चो स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो आपको फार्मूला जैसा कि पता है सी एच टू ये NH2, CH2 और ये एन एच टू तो ये फार्मूला होता है ये एल पी डोनर होता है बच्चों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और ये किसी मेटालाइन को डोनेट करेगा तो इस तरह से ये इसके डोनर साइट दो है तो अतः इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाइडेंटेड तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए इसकी डेंटिसिटी के बेसिस पर आप लोग जो है तो बाइडेंटेड बोल सकते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों ठीक तो अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर टू है जो डोनर साइट ऑफ ईडीटीए माइनस तो इसमें क्या करना है कि ईडीटीए का जो है तो फार्मूला आपको लिखना है तभी तो आप बता पाओगे कि ये किस टाइप का डोनर साइट है कितने प्रकार के एटम इसमें है ना डोनेट करते हैं लोन पेयर तो हम एथाइलीन डायमीन का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं बच्चों ये एन ये एथाइलीन डायमीन ये इस तरह से एन और टेट्रा एसीटेटो इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों एथाइलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो ये एन तो ये ईडीटीए का एक फार्मूला होता है ये माइनस सी एच टू सी ओ माइनस इस तरह से ये सी एस टू सी ओ माइनस और ये सी एस टू सी ओ माइनस तो आपको ये इीए का स्ट्रक्चर ड्रा करना बहुत जरूरी है ये फोर माइनस है तो इसका पूरा नाम होता है एथाइलीन डाइमीन टेट्रा एसिटेट आयन ठीक

यहीं पर आप देख लो बच्चों ये कॉपर है तो कॉपर का आप ये देखोगे ये टू प्लस है ये न्यूट्रल है बच्चों तो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर का टू प्लस होगा और यहां पर देखोगे बच्चों ये थ्री मतलब सी एन माइनस है सी एन पर एक माइनस होता है चार सी एन है और इसके ऊपर थ्री माइनस इसका मतलब साफ है कि कॉपर प्लस वन में है वैसे तो आंसर यहीं पर आ जा रहा है अगला आप पढ़ सकते हो ये टू माइनस ये तो ये टू प्लस होगा

मेटल क्या है कोबाल्ट है बच्चों कोबाल्ट पर कितने पॉजिटिव चार्ज है बच्चों लिखा हुआ है. Three oxidation state. इसको आप, आप ये बोल सकते हो कि यहां पर इस पर मान लो थ्री प्लस है किस पर कोबाल्ट पर. तो अब आप देखोगे थ्री प्लस और टू माइनस इसको चार्ज को बैलेंस करना है और कुछ भी नहीं करना है तो चार्ज को बैलेंस करेंगे टू है इसे टू से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री है इसे जो है तो आप थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे चार्ज बैलेंस हो जाएगा सिंपल तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा बच्चों क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ठीक है सॉरी कौन सा होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर एक मिनट बच्चों नंबर ऑप्शन नंबर इसको हम करेक्शन कर लेते हैं ये चूंकि अपोजिट चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री इंटू टू हो जाएगा सिक्स और ये टू इंटू थ्री जो सिक्स तो आंसर नंबर होगा फोर बाकी कोई ऑप्शन मैच

एच टू ये नॉन आयोनाइेबल होते हैं और ये सेकेंडरी बेलेंसी होते हैं तो इनका टेस्ट हम नहीं कर पाएंगे में कौन है बच्चो? CL है बच्चों तो इसका हम लोग टेस्ट करेंगे तो बेस्ट आंसर होगा आप. टेस्ट आप CL एक ही आंसर होगा बच्चों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर एट नंबर तो क्वेश्चन नंबर एट में बच्चों हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर एट में विच ऑफ कॉम्प्लेक्स

और एक किटायन इसमें आप देखोगे जीरो आयन कोई आयन नहीं बनेगा क्योंकि काउंटर आयन कुछ भी नहीं है अगला सवाल क्वेश्चन नंबर फोर इसमें देखोगे केवल दो आयन बनेंगे क्योंकि एक जो है तो प्लस और एक माइनस तो इस तरह से आप यह देखोगे मैक्सिमम यानी हाईएस्ट नंबर ऑफ आयंस जो होंगे वो पहला ऑप्शन होगा और पहला ऑप्शन होगा हाईएस्ट कंडक्टिविटी यही सो करेगा जिसका नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होता है अगला क्वेश्चन बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन ये कह रहा है विच विच इज एम्बिडेंटेड लिगेंड तो एम्बिडेंटेड सारे लिगेंड का स्ट्रक्चर देख लो बच्चों इसके बाद आप एम्बिडेंटेड के बारे में बताएंगे तो सबका स्ट्रक्चर आप देखेंगे ये एनओ NO माइनस है ये देखोगे ये माइनस यानी एम्बिडेंटेड का मतलब वो लिगेंड जिसपे दो डिफरेंट एटम है ना जो तो क्या हो एलपी डोनर हो तो ये भी एलपी डोनेट कर सकता है और यहां से भी

तो यहां पर भी आप देखते हो बच्चों यहां पर भी कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है तो ये नहीं होगा अगला देखते हैं सल्फेट सल्फेट का भी स्ट्रक्चर आप ये देखते हो बच्चों ये देखते हो माइनस माइनस और ये आपका तो इस पे भी देखते हो सल्फर पे कोई लोन पेयर नहीं है तो ये भी एम्बिडेंटेड नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर फर्स्ट आएगा नाइट्राइट नाइट्राइट इज द एम्बिडेंटेड लिगेंड अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों

बाहर क्वेश्चन नंबर टू में ऑप्शन नंबर टू में इधर जो है तो केवल ऑप्शन में नहीं, तो नहीं होगा ये, अंदर है, लेकिन बाहर कोई नहीं है, ये बाहर आ नहीं सकता इसलिए ऑप्शन होगा तो कुल मिला के वैसे एलिमिनेशन मेथड भी कह सकते हो तो आंसर पहला हो जाएगा बच्चों अगला सवाल नंबर ट्वेल्व है बच्चों तो सवाल नंबर ट्वेल्व में क्या कहता है क्वेश्चन नंबर ये 12 में आप देखोगे विच इज काइरल कॉम्प्लेक्स काइरल का मतलब होता है बच्चों कि जिस कॉम्प्लेक्स को इंक्लूडिंग सीएमआई इंक्लूडिंग ऑल एलिगेंट्स हम हम ये देखेंगे कि जिसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं वो काइरल कॉम्प्लेक्स होता है इसका मतलब हमें एक, एक तरह से ये कहना है कि कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव है तो ऑप्टिकल एक्टिव देखना काइरल कॉम्प्लेक्स का मतलब आपको कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात जब आप करते हो बच्चों तो सिस ये देखो ये होगा स्ट्रक्चर आप देख लो ट्रांस नहीं होगा ये सिस नहीं होगा ये सिस ट्रांस नहीं होगा तो एक्चुअली इसका चाहो तो आप स्ट्रक्चर देख के कर सकते हो जैसे कोई भी सीएमआई है जैसे ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल में ये ऑक्सिलेट है ये ऑक्सिलेट है बच्चों ये ऐसे बाईडेंटेड है और दो क्लोराइड है तो देखो बच्चों आपको लगता जरूर है कि ये एक प्लेन में है लेकिन ये अलग अलग प्लेन में है। देखो, एक बना दो, ऐसे-ऐसे करके, अब आप इसको इक्वल हाफ तो मतलब तो में, में करोगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता तो ये काइरल कॉम्प्लेक्स है अगर ये तो इसका लीवो होगा मिरर इमेज यानी ये आएगा आंसर और बाकी ट्रांस में तो देखो ट्रांस में इसको क्या करोगे वन एट्टी पे ले जाओ जैसे क्रोमियम है अब ये CL, CL, तो यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री ये OX और ये और तो इसको इस तरह से हम लोग यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक नहीं करेंगे अगला क्वेश्चन बच्चों तो अगला क्वेश्चन जो है तो देखो अगला क्वेश्चन नंबर जो है तो थर्टीन तो थर्टीन नंबर में क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्टीन में हाउ मेनी जी आई जो आइसोम टेट्राक्लोराइड मतलब एक तरह से बी टू या बी टू एम फोर ये कह लो ए प्लस ए फोर कह लो ये कॉम्प्लेक्स है तो इस तरह से हम इसमें देखते हैं ए फोर पीप तो इसमें दो ही आइसोमिर बनता है बच्चों एक बनेगा सिस और एक बनेगा ट्रांस क्यों जो छोटा है बी टू मतलब बी टू का मतलब अमोनिया तो यहां पर आप ये देखोगे मेटल है एक को क्या करोगे 90 डिग्री पे रख दोगे है ना ये क्या लिया है बी टू तो बी टू को 90 डिग्री पे रख दोगे बाकी आप देख लो ये सब ए ए इधर आ जाएंगे और एक बार इस बी को आप क्या करोगे 180 पे रख दोगे तो 180 पे क्या हो जाएगा ये ट्रांस हो जाएगा तो इस तरह से ए ए ए ए, ए, -ए, ए, -ए तो इस तरह से आप ये देख लोगे बच्चों तो ये आपका ट्रांस और ये आपका जो है तो इस तरह से ये तो इसमें टोटल दो जीआई दिखाएंगे है ना इससे ज्यादा जीआई बन नहीं सकता अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में ये कह रहा है ऑप्टिकली एक्टिव तो वही आपको कॉम्प्लेक्स को पहचानिए जैसे पहला वाला कॉम्प्लेक्स है तो ये लगता है प्लेन ऑफ सिमेट्री लेकिन कोबाल्ट का ऑक्सलेट है ये है ना तो ये देखोगे बच्चों ऑक्सिलेट इस तरह से ये और ये ऑक्सिलेट ये ऐसा लिंक बनेगा बाईडेंटेड है अब लगता होगा कि एक प्लेन में हम इसको डिवाइड कर सकते ऐसा नहीं है बच्चों ये एक वेजनेस वेजनेस वाला बनेगा तो आप ये देखोगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नहीं मिलेगा इसलिए ये मिरर इमेज बनेगा डेक्सट्रो एंड लीवो यानी ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा और बाकी देखो ये a4 b2 वाला है a4 b2 वाला तो इसमें

इस तरह से हम लोग यहाँ पर भी जी आई नहीं देख सकते सॉरी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं देख सकते, न जी जी आई देख सकते। है हमारा एक्टिविटी तो ऑप्टिकल तो एक्टिविटी हम लोग यहाँ पर चेक नहीं कर पाएंगे तो जिसमें चेक करेंगे ऑप्शन पहला है बच्चों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर पंद्रह है तो क्वेश्चन पंद्रह बच्चों में विच हैज नो डी इलेक्ट्रॉन

अगला सवाल में आप देखते हैं Mn Mn यहां पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो Mg +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3d 0 होता है 3d 0 होता है यानी ये जो है तो ये भी जो है तो ऑप्शन में सॉरी ये होगा बच्चों गलत बोल दिया मैंने सॉरी ये एक्चुअल में ये आंसर होगा क्योंकि हम पूछ रहे हैं नो डी इलेक्ट्रॉन तो नो डी इलेक्ट्रॉन में आप ये देखेंगे ये आंसर होगा अगला सवाल जो है थ्री प्लस है सॉरी आयरन टू प्लस है तो आयरन टू प्लस है तो एफ टू प्लस होगा बच्चों का मतलब मतलब हो गया यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है मतलब आंसर नहीं होगा अगला सवाल क्रोमियम थ्री प्लस तो क्रोमियम थ्री प्लस का ये कॉन्फ़िगरेशन होता है थ्री डी थ्री इसमें भी डी इलेक्ट्रॉन है तो देखो बच्चों है ना क्वेश्चन कह रहा है नो नोडी इलेक्ट्रॉन पहले में डी सिक्स है इसमें डी सिक्स है डी थ्री है तो ये तो क्वेश्चन नहीं होंगे और इसमें डी जीरो अगला सवाल है, बच्चो, 16. तो जो 16 है देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सोलह ये कहता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर कॉम्प्लेक्सेस डेल्टा ओ कॉम्प्लेक्सेस तो देखो बच्चों, एक रिलेशन होता है सी का टेट्राहेड्रल का जो सीएसएफएससी होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए 4/9 डेल्टा ओ है ना और डेल्टा ओ मतलब ऑक्टो ऑक्टाहेड्रल तो ये यानी एनीवे एक ही बात है और ये आप लिखोगे एक होता है स्क्वायर प्लेनर का ये वैल्यू आप याद रखना ये sp ये sp का ये डेल्टा ओ ठीक है बच्चों तो इस तरह से आप ये देखोगे ये तो 1.3 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल और फोर बाई नाइन टाइम्स ऑफ मतलब यही आएगा क्लियर तो हो होगा और बाकी जो है तो ऑप्शन नहीं होंगे बच्चों तो बच्चो, हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन तो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में दिया है इन द गिबेन इन दिबेन कॉम्प्लेक्सेस मेटल आयंस कंटेन्स

तो ये बेटा फोर माइनस है ये माइनस है तो आयरन पर जो है तो टू प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट होगा यानी ये होगा यानी ये आंसर में आएगा अगला देखो कोबाल्ट प्लस है तो थ्री प्लस है इसका मतलब प्लस में भी three, होता है और यहां एस एफ एल है यहां एस एफ एल है इसलिए ये एस एफ एल है ठीक है ये भी जो है तो युग्मन करेगा अब इसमें देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का एग्जाम्पल है इसको आपको देखना पड़ेगा यहां पर एनओ है तो आयरन चलो साइनाइट पे माइनस वन आता है और एनओ, तो एनओ के बारे में दिमाग में आता है तो में कन्वर्टेड होता है। ये एनो प्लस हो जाता है नाइट्रोसोनियम जब ये नाइट्रोसोनियम होगा ठीक है तो इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा ठीक है तो पॉजिटिव इस पर आ जाएगा टू प्लस तो टू प्लस का है ये बेटा थ्री डी सिक्स तो इसका वैसे फार्मूला है सोडियम

कि स्क्वायर प्लेनर होगा कि ये, ये टेट्राहेड्रल होगा तो आपको यहां पर लिख दिया है स्क्वायर प्लेनर तो स्क्वायर प्लेनर में आपको ये देखना है ये एम ठीक ये इस तरह से ये एम है अब आप ये देखोगे स्क्वायर प्लेनर में ये ए ये बी ये सी और ये डी जब स्क्वायर प्लेनर है बच्चों तो इनकी जी चेक करनी है जी चेक करनी है तो देखोगे ए को फिक्स करोगे ए के ट्रांस सी दिया है इसके साथ इंटरचेंज करोगे तो एक बार बी आएगा ठीक है ये बी आएगा बच्चों दूसरी बार आप इसके साथ इंटरचेंज करेंगे तो ये आएगा डी तो टोटल इंटरचेंज आप तीन कर पाएंगे अतः इसके जीआई जो होंगे वो तीन होंगे बच्चों ठीक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ठीक है कितने हो जाएंगे तीन तो आंसर नंबर टू हो जाएगा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों ठीक तो अगला क्वेश्चन है हमारा नाइनटीन नंबर तो नाइनटीन नंबर में सवाल कहता है बच्चों एवंग दी फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस अच्छा एक चीज ध्यान देना बच्चों पैरा का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये म्यू एम हम लोग स्पिन पैरा मैग्नेटिक वो सॉरी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट चेक करते हैं बच्चों तो ये म्यू एम बराबर रूट ये एन और ये एन प्लस टू ये बी एम, बोर मैग्नेटॉन तो एक्चुअल में जब ये देखते हैं तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये एन आएगा

क्या होता है बताइए d4 होता है और ये जो cl माइनस है तो cl माइनस जो है तो बच्चों ये wfl सॉरी ये क्या है बच्चों wfl है तो जब wfl है ठीक है तो wfl के साथ ये पेयरिंग नहीं करेगा wfl के साथ पेयरिंग नहीं करेगा तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये चार होगा बच्चों ठीक तो यानी ये पैरामैग्नेटिक है इसी तरह से आप आयरन का देखोगे आयरन भी बच्चों 3 प्लस है तो आयरन 3 प्लस है तो इस वाले को देखोगे है ना आयरन तो आयरन जो है तो थ्री प्लस है तो थ्री प्लस का है ये थ्री डी फाइव थ्री डी फाइव के साथ क्या दिया है बच्चों वीक वीक फील्ड फील्ड और weak field जो दिया हुआ है तो इसमें क्या हो जाएगा ये आपका यहां भी पेयरिंग नहीं करेगा यानी ये भी पैरामैग्नेटिक होगा और यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पांच होता है ठीक इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर वो ऑप्शन नंबर थ्री को देखेंगे बच्चों यहां थ्री प्लस है तो थ्री प्लस है तो थ्री प्लस में ये क्या हो जाएगा ये आप ये देखोगे कोबाली प्लस है थ्री प्लस है तो बच्चों 3D6 होता है, और थ्री डी सिक्स के साथ डब्ल्यू एफ एल दिया है तो डब्ल्यू एफ एल दिया है इसलिए ये भी पेयरिंग नहीं करेगा तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो कुल मिला के आंसर में आप सभी देंगे बच्चों आंसर में आलाप दी जाएगा यानी आंसर नंबर फोर होगा बच्चों इस तरह से हम देखेंगे कि सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं ठीक तो आपको मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन देखना है

एम एन प्लस टू और एम एन प्लस टू है तो थ्री डी फाइव और यहां पर WFL, ये वीक और वीक होगा, तो वीक में आप लिखोगे नो पेरी। क्या लिखोगे युग्मन नहीं होगा जब युग्मन नहीं होगा बच्चों तो युग्मन नहीं होगा तो इसका मतलब हो गया कि ये इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करना है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करना है बच्चों तो देखो इसमें आप कैसे देखोगे

है ना ये पांच और प्लस दो ऐसे करके रूट थर्टी फाइव आएगा और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो आंसर में चार आएगा बच्चों ठीक है फाइव पॉइंट नाइन जीरो बोर मैग्नेटॉन ठीक है बच्चों इस तरह से हम लोग अगला सवाल देखते हैं तो अगला सवाल आपका आता है इक्कीस नंबर क्वेश्चन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन में कहता है कि कौन सा डाया मैग्नेटिक है अभी कुछ देर पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया था

और दोनों जब मिलते हैं तो इनका सी एफ एस वैल्यू बहुत बढ़ जाता है है ना तो ये ये एक तरह से स्पेशल केस में दिया है, ये, है ना? आप जानते हैं डी सिक्स एक चीज ध्यान देना थ्री प्लस का D6 होता है। और अगर मान लेते हैं अपन इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं जैसे मान लो

mn 3 प्लस तो बच्चों mn जो 3 प्लस है वो 3d5 आता है अब 3d5 है देखो बच्चों इसमें ना cmi का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत आसान है मैंने इसको निकालना आना चाहिए आपको और प्लस जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हो उसमें इमीडिएट आपको जो है तो इसका कॉन्फिगरेशन आना चाहिए तो इस तरह से आप क्वेश्चन को फास्ट कर लेंगे है ना इजीली सॉल्व कर लेंगे पेन कम चलाना पड़ेगा तो आप ये देखेंगे यानी कहीं ना कहीं इसमें देखो ऑड नंबर है है ना पांच है तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा मतलब ये पैरा है, तो ये आंसर नहीं हो और यह डब्ल्यू एफ एल है तो ये भी पैरा ही होगा तो ये नहीं आंसर नहीं होगा कोबाल्ट अभी हमने डिस्कस किया था प्लस है और डब्ल्यू एफ एल है तो ये पेयरिंग नहीं करेगा इसलिए जो है तो आंसर ये भी नहीं होगा तो द बेस्ट आंसर इज वन होगा सिंपल क्वेश्चन है अगला सवाल है बच्चों बाईस नंबर तो बाईस नंबर जो क्वेश्चन है हमारा देखिए बाईस नंबर कहता है कि क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल इज एन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड इनवॉल्विंग देखो बच्चों तो क्रोमियम ये क्रोमियम और ये आपका हेक्साकार्बोनिल ये देख लोगे यानी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएगा तो बच्चों एक्चुअली क्रोमियम का आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना आना चाहिए ठीक है तो ये क्या हो जाना चाहिए बच्चों कॉन्फिगुरेशन तो जैसे यहां पर सीओ दिया है सीओ क्या होता है बच्चों सीओ का नेचर एस एफ एल होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड ये पेयरिंग करा देगा जब पेयरिंग करा देगा तो ये थ्री डी सिक्स हो जाएगा थ्री डी सिक्स होगा तो एक डी यानी दो डी आरबीटल है ना खाली रहेंगे जैसे आप डी आरबीटल है इसको सी एफ टी से भी आप चेक कर सकते हो बच्चों ठीक है तो यहां पर ये ये युग्मन हो हो जाएगा ये पेरिंग हो जाएगा पेयरिंग अब आप ये देखो ये दो डी और प्लस इधर आगे का फोर एस और ये आगे का फोर पी तो ये देखो इस तरह से छह लिगेंड है सिक्स लिगेंड है और ये डी टू एस पी थ्री इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व हो जाएगा ठीक है बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन ठीक है अगला क्वेश्चन ये तेईस नंबर तो तेईस नंबर में विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन टेट्राहेड्रल है ना अब इसमें देखना है कौन सा टेट्राहेड्रल नहीं है तो टेट्राहेड्रल के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं बच्चों देखो एक सिंपल बात बता देता हूं जहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा वो टेट्राहेड्रल होता है और जहां पे dsp2 होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है ठीक तो ये कोऑर्डिनेशन में हमको फोर नंबर कोऑर्डिनेशन में ये चेक करना है कोऑर्डिनेशन नंबर ये आपका फोर है तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर फोर की अपन बात करते हैं देखो बच्चे, यहाँ दो लिगेंड एसएफएल, दो डब्ल्यू एफ एल प्लेटिनम प्लस टू है तो यहाँ पर अपन ये देखते हैं ये प्लेटिनम प्लस अब ये प्लेटिनम प्लस तो फाइव अब फाइव है बच्चों तो इसमें देखो फाइव

कार्बन टेट्राक्लोराइड और निकिल टेट्राकार्बोनिल तो निकिल टेट्राकार्बोनिल में d10 आ जाता है बच्चों यहाँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट तो देखो एक चीज ध्यान देना बेटा कि d10 जो कॉन्फिगरेशन होता है वो खुद अपने आप में ऑल d10 ये मान के चलिएगा ऑल d10 चाहे वो 3d10 हो चाहे वो 4d10 हो सारे d10 जो है तो चाहे उसमें sfl आए चाहे wfl आए सारे जो है तो sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री सो करेंगे तो ये अपने आप है यानी यह आंसर में नहीं है इसी तरह से निकिल देख लोगे बेटा निकिल टू प्लस है निकिल टू प्लस का थ्री डी एट आता है लेकिन खास बात ये है बच्चों कि इस थ्री डी एट में WFL एफ एल है ना जो है तो कंबाइंड है तो डब्ल्यू एफ एल कंबाइंड है तो ये टेट्राहेड्रल होगा मतलब आंसर ये भी नहीं होगा इस तरह से जिंक देख लोगे जिंक बेटा टू प्लस है और जिंक टू प्लस है तो जेड एन टू प्लस है तो ये थ्री डी टेन थ्री डी टेन में ये sp3 इस तरह से अपन देखेंगे तो इसलिए आंसर ये नहीं होगा तो क्वेश्चन नंबर 23 का द बेस्ट आंसर होगा ये वन ये नहीं हो जाएगा नॉट ए अगला सवाल है बच्चों तो क्वेश्चन नंबर है ना 24 तो क्वेश्चन नंबर 24 में निकिल टेट्रा साइनाइडो टू माइनस हैज स्ट्रक्चर तो ये कौन सा संरचना कौन सा स्ट्रक्चर शो करेगा बच्चों? तो बड़ा सिंपल है देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट टू है और एस एफ एल है तो आप ये, आपको मैंने बताया, ये बड़ा एग्जाम्पल है, में, में में हो, हो, है और डी एट है तो डी एट वन ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डी एट में है ना एस एफ एल आ गया तो ये समझ जाओ पेयरिंग हो जाएगा और पेयरिंग होगा तो ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा क्योंकि पेयरिंग से dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ये बात आपको ध्यान देना है और ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा तो इस तरह से बड़ा सिंपल क्वेश्चन है इसका बेस्ट आंसर होगा टू नंबर और बाकी तो देखो टेट्राहेड्रल होगा नहीं क्योंकि sfl है ये होगा नहीं ये होगा नहीं क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इस तरह से आपको यहां पर देखना है अगला क्वेश्चन बच्चों

है ना तो कोई भी सीएमआई हो थ्री डी हो फोर डी हो फाइव डी हो है ना इसमें चाहे डब्ल्यू एफ एल हो चाहे एस एफ एल हो सारे के सारे सुनो क्या हो जाते हैं बच्चों सारे के सारे है ना पेयरिंग इसमें होगा नहीं और ये ऑलवेज इनर डी ऑर्बिटल कॉन्फिगुरेशन बनाएगा ठीक है तो ये आपका थ्री टी टू जी और इजी जीरो मतलब ये पक्का हंड्रेड परसेंट डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन

तीन इलेक्ट्रॉन और ये पूरा बच्चों देखेंगे तीन क्लियर कट रहा है ना सारे ऑप्शन इसमें मैच नहीं करता इसमें मैच नहीं करता इसमें मैच नहीं करता इसलिए आंसर नहीं होगा बच्चों अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर छब्बीस तो क्वेश्चन नंबर छब्बीस क्या कह रहा है भाई ये कह रहा है कि नंबर ऑफ

लो स्पिन है तो पक्का इसमें कोई ना कोई एस एफ एल है इस तरह की बात हम कंसिडर करके चलते हैं और लो स्पिन अगर आप इसमें भी कंफर्म नहीं हो तो आपको एक ही तरीका रखना पड़ेगा कि जब भी कभी लो स्पिन होगा D6 में तो ये क्या हो जाएगा सी एफ एस सी वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से अधिक होगा ठीक ये हो जाएगा और इस तरह से आप देख लोगे तो जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों क्योंकि पेयरिंग है डी सिक्स है तो डी सिक्स में टी टू जी आपको कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका पेयरिंग हो जाएगा ठीक और इजी ऊपर रहेगा ठीक है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो आ जाएगा अगला सवाल बच्चों ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर नंबर फिर वही लिखा क्वेश्चन लो स्पिन वो सॉरी हाई स्पिन क्या लिखा है बच्चों हाई स्पिन तो हाई स्पिन में क्या देखते हैं बच्चों देखो हाई स्पिन चेक करने के लिए हम लोग है ना यहां पर एन एन का मतलब है Unpaired electron, ये जो है तो maximum होना चाहिए है maximum है 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 कि है ना ना अब देखते हैं ये ये होता 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 पर देखिएगा और फिर करिए कि होगा होगा तो तो वही high spin होगा। अच्छा अगर ये minimum होता है, ये जीरो होता है, तो वो लो स्पिन होता है ठीक तो ये रिलेटिव कंपेरिजन होता है इसमें देखिए कोबाल्ट थ्री प्लस है थ्री प्लस है एस है तो कोबाल्ट थ्री प्लस तो थ्री प्लस का मतलब थ्री डी सिक्स और इसमें क्या है बच्चों एस एफ एल तो पेयरिंग हो जाएगा मतलब ये लो स्पिन मतलब ये आंसर नहीं होगा हाई स्पिन दिया है अब आप इसी तरह से इसमें देखोगे आयरन आयरन क्या दिया है बच्चों प्लस क्योंकि माइनस है तो ये आ जाएगा आयरन ये थ्री प्लस और ये थ्री प्लस थ्री डी फाइव और इस तरह से ये डब्ल्यू एफ एल ये क्या हो जाएगा सॉरी ये क्या दिया है, तो है बच्चों ये ध्यान रखना ये एस एफ एल है तो एस एफ एल है तो तो ये पेरिंग करेगा, तो ये करेगा, यानी भी होएगा। देखो, जरूरी नहीं आप देख लोगे इस तरह से तो ये लो स्पिन होगा इसी तरह से बच्चों ये तो ये आंसर नहीं होगा अपन ऑप्शन थ्री देखते हैं बच्चों ऑप्शन थ्री में ये निकल दिया है अब निकल टू प्लस है कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है बच्चों अब कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में एस एफ एल है ना ये कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में ठीक है ये कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में एस एफ है तो ये एस एफ में क्या हो जाएगा पेयरिंग हो जाएगा और ये पेयरिंग के बाद ये क्या हो जाएगा बच्चों ये स्क्वायर प्लेनर इस तरह से ये आप ये देखोगे ठीक तो पेयरिंग में ये स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा यानी ये पेयरिंग करेगा और स्क्वायर पिनेर तो ही है यानी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा जीरो ये इस तरह से जीरो हो जाएगा तो कहने का मतलब ये भी आंसर नहीं होगा अब अगला सवाल एक ही ऑप्शन बचता है तो वैसे भी आप और वेरीफाई तो कर ही सकते हो क्योंकि आयरन थ्री प्लस है बच्चों आयरन थ्री प्लस में 3d5 होगा है ना और 3d5 में पूरा का पूरा wfl है पेयरिंग नहीं करेगा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो जाएंगे यहां पर ये यह ये रूल को फॉलो करेगा और जिसके कारण कहलाएगा तो बेस्ट बेस्ट आंसर आंसर ठीक बच्चों तो 28, 28. 28 कहता है करेक्ट स्टेटमेंट इज तो ये करेक्ट स्टेटमेंट आप देखेंगे क्या क्या तो चार ऑप्शन में चारों कंपाउंड दिए हैं और ये कंपाउंड्स के बारे में आपको एक एक स्टडी करके बताना है तो ऑप्शन नंबर फोर में क्या दिया है बच्चों ऑप्शन ऑप्शन नंबर सॉरी देखो एन आई एफ सिक्स टू माइनस तो यहां पर एनआई पर जो है तो प्लस प्लस दिया है अब 4 का मतलब होता है 3D, जो है तो सिक्स आ जाता है अच्छा एक चीज ध्यान रखना भले इसमें WFL दिया है लेकिन ये बड़ा स्पेशल केस है यहां पर ये यह जो है तो डाया मैग्नेटिक होगा क्योंकि यहां पर ये यह बेटा चार्ज डोमिनेट करता है और चार्ज डोमिनेट करेगा तो ये पेयरिंग करा देगा मतलब इस जगह में पेयरिंग होता है ये आप ध्यान रखना अपेयरिंग होगा तो ये डायमैग्नेटिक होगा इसलिए ये आंसर नहीं होगा है ना क्योंकि यहां पर लिखा है पैरा इसलिए आंसर गलत हो गया स्टेटमेंट अगला सवाल देखोगे ये डाया तो मैंने बताई दिया पेयरिंग होगा तो डाया होगा मतलब इसका आंसर ये बेस्ट है ठीक है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिर भी चलो आंसर निकल गया फिर भी हमें सारे ऑप्शन चेक करने हैं है ना तो अपन ये देखते हैं

पेयरिंग नहीं होता है चाहे वो डब्लू एफ एल हो चाहे एस एफ एल हो बिल्कुल इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा कॉपी में लिख लीजिएगा तो यहां पर यह थ्री डी एट है तो यहां पर क्या लिखोगे no pairing, नो पेयरिंग यानी नो लो स्पिन एंड नो हाई स्पिन आता है ये पैरा मैग्नेटिक होगा क्योंकि डी एट में कॉन्फ़िगरेशन आप चेक करोगे दोनों तरीके से इसको चेक कर सकते हो है ना बीबीटी और सी दोनों से तो ये आप मान लो ऐसे करके ऐसे करके आप देखोगे तीन पेयरिंग तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बीबीटी से

तो ये तीनों ये तीनों कंडीशन में पैरा ही होगा और यहां लो स्पिन हाई स्पिन की बात हम नहीं करेंगे D8, D9, D10 में ऑक्टाहेड्रल के लिए अगला क्वेश्चन बच्चों तो अगला क्वेश्चन है बच्चों देखिए 29 29 में दो कंपाउंड दिया दो कंप्लेक्स दिया है इसमें करवा रहा है Amongst, ये हो जाएगा, nickel, अब इसमें क्या है दोनों में डब्लू एफ एल है देखो बच्चों बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये निकिल यहां टू प्लस है इसी के नीचे आता है पेलेडियम ये भी टू प्लस है इसका कॉन्फ़िगरेशन थ्री डी एट होता है इसका कॉन्फिगुरेशन फोर्डी एट होता है और दोनों में भैया डब्लू एफ एल है ये देखो दोनों में डब्लू एफ एल है क्योंकि क्लोराइड वीक फील्ड लिगेंड होता है अब इसमें आपको चेक करना है देखो बच्चों ये पेयरिंग नहीं कर पाएगा नो पेयरिंग ठीक है और ये नो पेयरिंग ठीक और यहां पर ये पेयरिंग हो जाएगा अच्छा यहां पर पेयरिंग क्यों हो जाएगा सुनो यहां पर नो पेयरिंग यहां पर पेयरिंग क्यों होगा पेयरिंग इसलिए होगा क्योंकि ये आप देखोगे है ना पेलेडियम फोर्डी है यहां से यहां जाने पर करीब करीब फोर्टी से फिफ्टी परसेंट सी एफ एस सी वैल्यू बढ़ती है किसका मेटल आयन का जब मेटल आयन का सी एफ एस सी वैल्यू बढ़ेगा बच्चों

है ना बोथ आर पैरा मैग्नेटिक गलत बोथ आर डाग्नेटिक गलत तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ट्रिकी क्वेश्चन है मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा अगला सवाल तो अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी में कह रहा है देखिए कि भैया ये कम्प्लेक्स है डबल कॉम्प्लेक्स है ना प्लेटिनम ये टेट्राइम और प्लेटिनम जो तो हेक्सा क्लोराइड बच्चों इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग है इसमें टू प्लस है और इसमें फोर प्लस है ठीक इस तरह से यहां पर ये अब ये अब दोनों एक दूसरे ये लिखा है है ना? एंड अच्छा इधर अलग दिया आप यहां तक देखते हो तो ये प्लेटिनम देखो क्वारिनेशन नंबर फोर में अमोनिया था अब ये सारे अमोनिया को किससे रिप्लेस कर दिया क्लोराइड से और जो क्वारिनेशन नंबर तो में है ना

कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बड़ा ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है बाकी ये होगा नहीं लिंकेज में embedded, की बात नहीं करेंगे है ना यहां पर सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा की बात नहीं करेंगे क्योंकि काउंटर आयन में कोई आयंस एक्स्ट्रा नहीं है तो द बेस्ट आंसर विल बी थ्री अगला सवाल बच्चों तो अगला सवाल अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्टी वन थर्टी वन में क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ जी आई प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड तो देखो जो कंपाउंड दिया है इस कंपाउंड को आप ऐसे देखोगे एम ए थ्री बी थ्री टाइपो फेसियल टाइप का होता है और इस तरह से इसमें दो जी आई होगा एक फेसियल होगा और एक मेरी डॉइनल इसको शॉर्ट फॉर्म में फेक एंड ये मर कहते हैं यानी यहां पर दो आइसोमर बनेगा और दो आइसोमर में यहां पर जी आई पॉसिबल होगा ठीक तो इसलिए इसकी जीआई टोटल दो होगी अगला सवाल बच्चों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर थर्टी टू तो थर्टी टू में आप ये देखोगे व्हाट इज विच इज नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बड़ा सिंपल क्वेश्चन बच्चों देखो ऑर्गेनोमेटेलिक में देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक में कोई मेटल होता है ठीक ये कार्बन से डायरेक्ट बॉन्डेड होता है ये बात ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ऑर्गेनोमेटेलिक की डेफिनेशन है ये मेटल और मेटल सीधे कार्बन से कनेक्टेड होता है किससे कनेक्टेड होता है कार्बन से तो जब मेटल कार्बन से कनेक्टेड होता है तो उसको हम लोग आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं तो देख लीजिए ये मेटल है ये आर मतलब एल्काइल एलाइल जो भी है ये मेटल है ये कनेक्टेड है, 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 है और ये किस से तो ये नहीं, आर्गनो ये नहीं है इसलिए आंसर फोर्थ होगा ऑर्गेनोमेटेलिक जो होता है वो पहला दूसरा और तीसरा क्योंकि इनमें सीएमआई ये मेटल है डायरेक्ट कार्बन से कनेक्टेड है इसलिए इनमें जो है तो ये आर्गेनोमेटेलिक एग्जांपल है और बाकी रेस्ट ऑर्गेनोमेटेलिक एग्जांपल नहीं है बच्चों अगला सवाल ठीक है तो अगला सवाल जो हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 33 तो 33 में ये देखिए व्हिच इज कलरलेस कॉम्प्लेक्स देखो बच्चों कलरलेस कॉम्प्लेक्स की बात जब हम करते हैं देखो भैया तो कलरलेस कॉम्प्लेक्स की बात जब हम करते हैं बच्चों तो कॉपर 2 प्लस अब कॉपर 2 प्लस 3d9 ठीक है तो 3d9 है तो यानी ये ब्लू कलर का होता है यानी डीडी ट्रांजिशन होगा और कलर्ड होगा ये देखो बच्चों ये लिखा है जिंक टू प्लस आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डी टेन होगा वो कलरलेस होता है है ना तो ये कोई कलर नहीं डी वन से देखो बच्चों डी वन से डी नाइन के बीच कलर्ड होगा और डी जीरो ठीक है ये कलर्ड होगा और ये आपका डी टेन ये आपका ये कलरलेस होता है बच्चों तो आपको कॉन्फिगुरेशन देखना है

34 तो क्वेश्चन नंबर 34 कहता है ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट बच्चों देखो ये जो कंप्लेक्स दिया है इस कंप्लेक्स में आप ये देखोगे ये के प्लस ठीक है ये कोबाल्ट है ये टेट्राकार्बोनिल है ये इस तरह से ये माइनस है इस पे ये सारे न्यूट्रल है तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज इन कोबाल्ट जब कोबाल्ट में माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो इस तरह से अपन कोबाल्ट में माइनस वन होगा और ये जो है तो क्वार चार कार्बोन सिंपल क्वेश्चन है आंसर होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बाकी आंसर नहीं होगा ठीक अगला सवाल देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव तो थर्टी फाइव में क्वेश्चन क्या कह रहा है हाउ मेनी आय आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दी क्या लिखा है बच्चों दिस कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट हेक्सा एमीन डाइक्लोराइड डाईक् सोल्यूशन में अपन रखेंगे बच्चों तो एक्चुअल क्या होता है कि दो क्लोराइड है ये आयोनाइजेशन में है तो यहां पर बच्चों काउंटर आयन ये एक केटायन बन जाएगा और दो क्लोराइड आयन बन जाएगा तो समझिए बात को ये टोटल दो क्लोराइड आयन और एक केटायन तो टोटल आयन से बिलविदा थ्री

थ्री डी फाइव और थ्री डी फाइव में क्या दिया है वाटर वाटर तो वाटर का नेचर WFL है यहां पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन पांच आ जाएगा ठीक अगला सवाल जिंक है ऑप्शन नंबर फोर तो स्कैंडियम बेटा थ्री है तो थ्री तो 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 का मतलब होता है थ्री डी जीरो थ्री डी जीरो का मतलब होता है यहां पर भी एन की वैल्यू जीरो हो जाता है ठीक तो इस तरह से अपन ये देखते हैं है ना तो बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा टू क्योंकि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखेंगे इस तरह से अपन एन बराबर फाइव देखेंगे और बाकी ये आंसर में ये आंसर में नहीं होगा बच्चों ठीक अगला सवाल बच्चों अगला सवाल देखो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन तो थर्टी सेवन में अपन ये देखते हैं

इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए तो cfsc के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप अरेंज करेंगे बच्चों f- के आगे आपका आ जाएगा है ना अमोनिया और अमोनिया से आगे आ जाएगा सॉरी अमोनिया के पहले ऑक्सिलेट आता है बच्चों है ना देखिए तो अमोनिया के पहले ऑक्सिलेट आ जाएगा ये o2- इसके बाद आता है आपका अमोनिया उसके बाद आता है n तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू मतलब फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड आपको याद करना है है ना और इधर जो है नाइट्रोजन तो और कार्बन डोनर ये एस एफ एल की श्रेणी में आता है ठीक तो अपन देखने EN. EN जो है तो चिलेटेड लिगेंड है और चिलेटिंग लिगेंड है सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ये आगे ईएन का सी वैल्यू ज्यादा दिया है

तो कोऑर्डिनेशन नंबर में है ना ये जो है तो, है तो मेटल फिक्स इसका 3D 8 होता है, है ना, अगर आप ये देखोगे इसका CFT, CFT से चेक करोगे, तो एक जी ऊपर आ जाएगा, e जाएगा। स्प्लिटिंग दिखा दो ठीक है स्प्लिटिंग से देखो डी एट को भरोगे ये पेयरिंग हो जाएगा और दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे करके कॉन्फ़िगरेशन आता है अब देखो हम जो रेस देखते हैं बेटा कलर्ड तो ये देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां से ये मान लो फोटोन है न्यू है है रेंज में ये जो है तो एनर्जी करेगा और आपको पता है बच्चों कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिम्डा या न्यू अपॉन लिमडा ऐसे करके आप देख लो तो लिमडा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो अगर आप एनर्जी इसमें आप ये देखते हो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ओ और इसी को अपन बोलते हैं सी एफ एस सी अब जब सी एफ एस सी होगा और इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा तो यानी आपको क्या करना है पूछ रहा है कि, कि कितना लेमडा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो एनर्जी का अपोजिट तो अगर एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एफ एस सी तो इसका उल्टा सोचो तो देखो आप देखोगे वाटर से देखो वाटर से ज्यादा ये अरेंज करके देख लो ये ये सही दिया है जैसे वाटर से आगे दे दिया है एनएस थ्री और एनएस थ्री से आगे ये एनओ टू माइनस ये इस तरह से फील्ड स्ट्रेंथ है अब इसका क्या हो गया ये एनर्जी है सी एफ एस सी ऑर्डर है बच्चों है ना सी एफ एस सी ऑर्डर अब आप इसको लेमडा की बात करोगे तो उल्टा हो जाएगा एब जो लेमडा तो वाटर का सबसे ज्यादा होगा तो द बेस्ट आंसर वुड बी द है ना ये थ्री नंबर ऑप्शन क्योंकि आप ये देख लो मैंने इसको इस तरीके से ही सॉल्व करना है ये बड़ा इं, इं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन तो थर्टी नाइन में आप देखोगे क्या दिया थर्टी नाइन में थर्टी नाइन में विच ऑफ दी फॉलोइंग

अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर फोर्टी तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी में विच ऑफ फॉलोइंग मेटल या सेंट्रल मेटल इज एसोसिएटेड विथ रिएजेंट और कम्प्लेक्स तो इसको याद करना चाहिए ये भी कंप्लेक्स में दिया यह डेटा बेस है याद रखना पड़ेगा कि विटामिन बी ट्वेल्व है तो कोबाल्ट होता है बिल्कुल सही है हीमोग्लोबिन में आयरन सही है क्लोरोफिल कैल्शियम ये गलत है क्यों भैया क्योंकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मेटल एसोसिएटेड होता है और ये देखो बोथ एक एंड टू तो क्या लिखा है भैया विच दी फॉलोइंग मेटल इज एसोसिएटेड विदेंट एंड कॉम्प्लेक्स तो भैया आंसर फोर होगा क्योंकि इनमें एसोसिएट ये ट्रू है और ये गलत है और एसोसिएटेड मतलब ट्रू पूछ रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर अगला सवाल तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन में बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन ये कह रहा है कि इन इन एफ फाइव -E यहां पर बच्चा देखो ये है ना सिनर्जिक बॉन्डिंग का क्वेश्चन है जैसे आयरन है ये सीओ है ये लिगेंड है ये इसको अपना सिग्मा डेटिव बॉन्ड बनाएगा ये सिग्मा डेटिव बॉन्ड बनाएगा और इस तरह से ये आपका फील्ड डी ऑर्बिटल है ठीक ये फील्ड डी ऑर्बिटल और इस पर ये पाई स्टार है तो यहां पर बच्चों ये अपना

तो 42 में हाईएस्ट सीओ लेंथ इन द फॉलोइंग कंप्लेक्सेस ये भी आपका सिनर्जिक बॉन्डिंग का एग्जांपल है तो सीओ लेंथ का हाईएस्ट तो क्या देखना है एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग तो एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ है ना सीएमआई सेंट्रल मेटल आयन या यूं कह सकते हो समझ गए ना क्योंकि डायरेक्ट देखो जितना नेगेटिव चार्ज होगा या यूं कह सकते हो और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट या लेस जेड इफेक्टिव यानी मेटल आयन का तो इस तरीके से आपको चेक करना है तो उसमें एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होगा और जिसमें मेटल में मान लो कोई सीओ है ये दिया और अगर ये देखो ये एस अगर लेस हुआ तो लेस बॉन्ड ठीक है और ये मैक्सिमम हुआ तो मैक्सिमम अगर मान लो ये सिनर्जिक बॉन्डिंग हुआ तो इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा जाएगा इसका मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो आप क्या देखोगे एक्सटेंट आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये क्या लिखोगे भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ ठीक है तो आप ये बेस्ट आंसर बन जाएगा हाईएस्ट अगर लोवेस्ट होता कि लोवेस्ट सीओ बॉन्ड लेंथ तो ऑप्शन फोर आ जाता क्योंकि इसमें क्या है प्लस दिया है

और ये एन एच और ये फिर से ये सब का स्ट्रक्चर बना लो ताकि क्लियर कट पता चल जाए आपका ये एन एच टू तो इसके डोनर साइड तीन है स्टार लगा दिया यानी एल पी डोनर है क्या है ये दो स्ट्रक्चर सुनो सी ये एन ये इस तरह से देखो लिगेंड आपको यहां पर मिथाइल ग्रुप है ठीक है ये मिथाइल ग्रुप है बच्चों ये ओ माइनस ये ओ एच ठीक है ये बाई है ठीक है ये बाई डेंटेड है तो देखो इसका मतलब है ना डीएम जी ये बाई और ये ट्राई तो इसका मतलब कौन सा होगा देखो वैसे तो आप देखोगे ये गलत बराबर हो नहीं सकता बराबर हो नहीं सकता इसलिए जो है तो आंसर यहीं पर आ जाएगा और इडिट ये तो आपको सबको पता है कि ये हेग्जा डेंटेड होता है सुनिए और हेग्जा डेंटेड जो है तो बेटा है ना क्या हो जाएगा तो इसकी डेंटिसिटी अधिक हो जाएगी चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर तो फोर्टी फोर कह रहा है

इस तरह से आप ये देखेंगे तो द दे बेस्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दिया है तो यानी पर पॉजिटिव चार्ज होने से extent of synergic bonding कम होगा बच्चों इसलिए CEO की अधिक स्ट्रांग होगी सॉरी सीओ की बॉन्ड एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगी और इसकी लेंथ मिनिमम होगी जबकि अगर वीक पूछा जाता वीकेस्ट पूछता तब आंसर यह हो जाता और अगर ग्रेटेस्ट जो है तो पूछा तो आंसर ये हो गया चलो अगला सवाल है बच्चों अगला क्वेश्चन है 45 तो 45 में अपन देखते हैं विच ऑफ दी फॉलोइंग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देखो बच्चों एज वेल एज डायमैग्नेटिक देखो इनर का मतलब होता है बच्चों देखो इनर का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है इनर ऑर्बिटल का मतलब होता है d2sp3 वाला बात सारे में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इनर में d2sp3 अच्छा साथ में क्या लिखा है डाय डाया का मतलब यहां पर पूरा का पूरा पेयरिंग हो जाना चाहिए यानी या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जीरो होना चाहिए ठीक और ये इनर डी ऑर्बिटल हो जाएगा तो इस तरह से ये आप ये तो आप ये आप आप देखोगे देखोगे तो पहला वाला कोबाल्ट थ्री प्लस है और डब्लू एफ एल है तो यहां पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एस पी थ्री डी हाई स्पिन आ जाएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे इसमें देखो बेटा इरिडियम अब इरिडियम क्या है ना बच्चों प्लस है तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइव डी सीज का है. तो नेचर का जो नेचर आप पर देखेंगे नेचर ऑफ सी एम आई में डी फाइव डी का बेटा जेड इफेक्टिव अधिक हो जाता है एंड पेयरिंग इज डन ठीक है पेयरिंग इज डन तो ये पेयरिंग डन होता है इसलिए ये इनर डी ऑर्बिटल और ये आपका डाया होगा ये एक्सेप्शन है याद रखना कोबाल्ट का ये दोनों होगा। और यहां पर बच्चे ये देखो, ये कोबाल्ट 2 है, तो 2 है ये भी एक्सेप्शन है यहां पर कोबाल्ट टू प्लस के साथ थ्री डी सेवन कॉन्फिगुरेशन आता है और अमोनिया एक तरह से डब्ल्यू एफ एल की तरह समझना बात को अमोनिया वैसे तो एस एफ है लेकिन यहां पर अमोनिया के साथ कोबाल्ट टू प्लस का पेयरिंग नहीं होता है नो पेयरिंग क्या लिखोगे नो पेयरिंग तो जब पेयरिंग नहीं होगा तो इसका मतलब हो गया कि ये सीधा सीधा बात है देखो बच्चों कि आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा यानी ये sp3 बनेगा ठीक है इसलिए आंसर वन आंसर टू जाएगा और बाकी सब आंसर नहीं होंगे अगला सवाल बच्चों ठीक क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सॉरी फोर्टी सिक्स तो फोर्टी सिक्स में क्या कहता है करेक्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट स्टेटमेंट इज तो करेक्ट स्टेटमेंट अपन को देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड फार्मूला भी दे दिया है प्लस थ्री बिल्कुल गलत है सॉरी है ना कैसे गलत है देखो एक्चुअली नाइट्रोसिल प्लस वन होता है मैंने आपको पहले बता दिया था एनो NO, नाइट्रोसोनियम पहले सारे ऑप्शन को पढ़ते हैं देखो इसमें दोनों आता है एनो प्लस भी आता है और एनो अब आपको कंसिडर क्या करना है क्वेश्चन के सारे ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको डिसाइड करना है कि क्या लेना है है ना अगर आप प्लस लोगे तो ये प्लस टू आएगा और न्यूट्रल लोगे तो आयरन थ्री प्लस आएगा तो अगर न्यूट्रल मानते हैं तो ये सही होगा और प्लस मानोगे तो ये सही होगा तो कुल मिला के बाद हमारे सवाल हमारे साथ क्वेश्चन आ गया कि हम माने क्या तो बाकी ऑप्शन को पढ़ो ठीक है उसके हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा चलिए अगला सवाल है ये लीनियर इनसे बिल्कुल सही है दो है तो लीनियर ये प्लस वन तो क्या हो जाएगा ये प्लस वन जो दिया है ये गलत दिया है क्योंकि निकिल जो है तो जीरो है अब आप देखो तो निकिल क्या होता है जीरो है जी, निकिल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों जीरो पर दिया है कार्बन तो ये जीरो है टेट्रा में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो तो ये गलत ये सही अच्छा अब इसकी तुलना में आप देखोगे ये ज्यादा सही है ठीक है तो इसलिए आंसर इसको अपन गलत मान लेते हैं है ना क्योंकि दीज़ में अगर मान लो दो ऑप्शन सही होते तब अपन इसको कंसिडर करते है ना तो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन कंफ्यूजन नहीं है आपको दिमाग लगाना है है ना अदर ऑप्शन को भी पढ़ के और उसके बारे में सोचना है तो इसलिए द बेस्ट आंसर वुड बी द होगा होगा है है ना Four नहीं होगा। क्योंकि यहां पर भी दिया इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है आपको अगला सवाल बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स में देखिए बोथ जीआई एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इस सोन बाई किसके द्वारा जीआई और ऑप्टिकल दोनों देखा जाता है तो अपन देखेंगे एक एक का जीआई देख लो इसका तो कोबाल्ट है बच्चों देखो अब ये दिया है यानी यहां पर जो है तो ये यानी बाईड और ये अब इसमें दोनों होता है देखो सिस भी होता है 90 डिग्री पे और ट्रांस भी होता है तो बच्चों सिस जो है है तो ऑप्टिकल एक्टिव होता है, ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ये देखोगे ठीक इस तरह से आप देखोगे तो इसमें अपन आंसर मान सकते हैं बाकी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा तो देखो अब अपन क्या माने ट्रांस माने कि सिस माने है ना मेडिकल का क्वेश्चन है मल्टीपल आंसर तो होगा नहीं मोर देन वन तो होगा नहीं ये देखो फाइव बी वाला, वाला है ये आंसर में नहीं होगा बच्चों देखो तो ये आंसर नहीं होगा है है ना ये कंफ्यूजन वाला है, देखते हैं आगे ऑप्शन को देखो ये आता है एम ए फोर बी टू इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी आंसर नहीं है अब ये देखो ये, देखो, ये वाला तो बच्चों ये चार्ज में मिसिंग है यहां पर कोबाल्ट ऑक्जिलेट के साथ 3 माइनस होता है ये बात आपको ध्यान रखना है है ना ऑक्सिलेट के साथ 3 माइनस ऑक्सिलेट पे क्या हो जाता है 2 माइनस है तो ये 3 माइनस होगा ये देखो तो यहां पर आप देखेंगे इसका बच्चों ऑप्टिकल एक्टिविटी केवल ओनली क्या लिखेंगे ओनली ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा क्या शो करेगा बच्चों ऑप्टिकल एक्टिविटी तो ये एक चीज ये आप ये देखना है ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे? क्योंकि ये जो है है है, बच्चों। और कितना है, बच्चों? थ्री है, है, है है है, है है, बच्चों, बच्चों? और कितना ना क्रोमियम के साथ। तो इस तरह से अपन को देखना है। यहां पर यहां पर भैया, देखो, क्या किया है है ना ऑक्सलेट है oxalate आएगा, dinted, तो ओनली ये ऑक्सलेट आपको ऐसा लगेगा कि प्लेन है लेकिन ये जो है तो आउट ऑफ प्लेन और ये तो आप देखोगे अगर इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करोगे तो यहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी सो करेगा लेकिन ज्योमेट्री एक ही है इसका अगला जीआई नहीं होगा मतलब जीआई नहीं होगा तो इसलिए ये आंसर में नहीं होगा तो ये इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में सारे ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा सारे ऑप्शन देखना पड़ेगा तो इसलिए जैसे मैंने समझा दिया उसी तरीके से यहां पर आपको सोचना है ये चार्ज को यहां करेक्ट कर दिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर फोर्टी तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट में

आयन का टेस्ट देगा। मतलब ये सभी आंसर होगा सवाल है? तो सवाल है, 49. तो 49 में देखो बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखना है सी एफ एस सी बेसिस पर तो देख लो चार टाइप का लिगेंड है फ्लोराइड है नाइट्राइट है अमोनिया है साइनाइड है तो अपन क्या करेंगे बच्चों एफ माइनस से आगे अमोनिया आता है

वाटर तो अब देखो बेटा ये डबल सॉल्ट है तो क्या लिखा है हाउ मेनी टाइप्स कितने टाइप के तो कितने टाइप का तो देखो यही टाइप देख लो एक के प्लस है एक सल्फेट है और एक आपका एल्यूमिनियम है तो बेटा थ्री टाइप का आयन प्रोड्यूस्ड होगा है ना टोटल आयन पूछता तो अलग है फिर सल्फेट चार हो जाते पोटेशियम दो हो जाते और ये दो हो जाते ठीक है तो इस तरीके से आप देखते तो टोटल का आंसर अलग होता यहां पूछा है टाइप तो टाइप का मतलब एक टाइप दूसरा टाइप तीसरा टाइप तो आंसर फर्स्ट होगा बच्चों ठीक बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं तो हेलो बच्चों अब हम लोग फिफ्टी वन क्वेश्चन देखते हैं फिफ्टी वन में दिया हुआ है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज जब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं बच्चों तो ये पहला ऑप्शन देखेंगे तो आपको जैसा कि पता है नेचर ऑफ मेटल आयन सब में डब्ल्यू एफ एल है अब जैसे निकिल टू प्लस है पैलेडियम टू प्लस है प्लेटिनम टू प्लस है तो बच्चों डाउन साइड जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एफ एस सी ये देखिए तो ये, ये देखिए चिलेटिंग लिगेंड वाला बात आता है यहाँ पर मोनोडेंटेड बाईड और ये ये यानी समझ लीजिए चिलेशन बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी इसका मतलब निकिल वाला देखोगे निकिल का टू प्लस है बच्चों ये ये वाला जो कम्प्लेक्स है टेट्राहेड्रल है बच्चों और ये वाला कम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल है और ये वाला कंसेप्ट ये देखो ये वाला कॉम्प्लेक्स है एस एफ एल है निकिल टू प्लस के साथ तो ये स्क्वायर और प्लेनर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्योमेट्री अलग अलग है और ज्योमेट्री में बच्चों इनकी भी ज्योमेट्री की जो सी एफ एस सी है ना ऑक्टा हेड्रल की ऑक्टाहेड्रल की 1.3 टाइम्स ग्रेटर होती है जबकि इसका टेट्राहेड्रल का अप्रोक्सीमेट फोर बाई नाइन टाइम्स होता है मतलब जो है तो अप्रोक्सीमेट हाफ तो आप ये देखेंगे इस तरह से ये भी स्टेटमेंट ट्रू है तो कहने का मतलब करेक्ट स्टेबिलिटी में तीनों है तो इसका मतलब बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका चौथा क्योंकि ऑल ऑफ दीज आप मारेंगे आंसर क्योंकि तीनों स्टेटमेंट सही है अब अगला सवाल देखते हैं बच्चों अगला सवाल हमारा है ठीक है क्वेश्चन नंबर 52 तो 52 में आपका आता है बच्चों करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट

जहां पर ई एन और ये दोनों बराबर हूं तो इसमें आप ये देखोगे बच्चों ये बराबर है और इससे बड़ा ये है तो बेस्ट आंसर टू जाएगा बाकी सब आंसर गलत हो जाएगा बच्चों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री में क्या कह रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स दिस इज देखिए इस कॉम्प्लेक्स की टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमर चेक करना है तो क्वारनेशन आइसोमर की बात हम करते हैं बच्चों तो देखिए कोबाल्ट के साथ इसमें मेटल आयन थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में, में जनरली होता है और ये आपका हेक्सा एमीन ये इस तरह से और दूसरा है एफ ई का होल सिक्स ये देखोगे इसमें भी प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है बच्चों अब आप ये देखिए इसमें एक लिगेंड है तो आप इसको इस तरह से आप ये देख सकते हैं इसमें भी एक्सचेंज कराइए है ना तो यहां पर जैसे छह अमोनिया ये वाला और ये छह साइनाइड ये वाला बाकी देखो बाकी साइनाइड होगा ये जीरो साइन, और यहाँ पर अमोनिया हो जाएगा जीरो इनको एक्सचेंज करिएगा तो जब बच्चों एक्सचेंज करेंगे है ना देखिए इसमें क्या होता है ये अमोनिया इधर जाएगा और साइनाइड इधर जाएगा ऐसे करके टोटल एक्सचेंज करेंगे तो टोटल एक्सचेंज सात आते हैं लेकिन खास बात यह है बच्चों कि जहां पर थ्री 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 का फार्मूला कंपोजिशन लिखोगे ये कैंसिल करना पड़ेगा जैसे मैं लिख देता हूं सिक्स है अमोनिया साइनाइड यहां पर जीरो यहां पर साइनाइड है 6, और अमोनिया है जीरो अब हम एक्सचेंज करेंगे ये पहला हो गया अब इसके बाद एक्सचेंज करेंगे तो साइनाइड और अमोनिया एक दूसरे का अदला बदली करेंगे तो ये पांच उसके बदले ये पांच और उसके बदले एक मतलब एक साइनाइड इधर आएगा एक अमोनिया उधर जाएगा ऐसे करके आप देखेंगे चार दो चार दो ऐसे करके तीन तीन आएगा फिर आ जाएगा दो चार है ना और ये हो जाएगा चार और ये दो फिर इस तरह से आप देखोगे एक पांच और ये आपका पांच और ये एक इस तरह से आप देखोगे जीरो छ और ये छह जीरो तो टोटल है ना सात बनते हैं लेकिन एक बच्चों कैंसिल है ये वाला क्योंकि बच्चों कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे यहाँ पे जीरो चार्ज हो जाएगा और जीरो चार्ज पे कभी भी डबल कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट नहीं करता मतलब मैं इस वाले को यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसे आप देखोगे कोबाल्ट ट्राई एमीन और ट्राई साइनाइडो ये देखो तो इस तरह से साइनाइड तो यहाँ पर जीरो चार्ज आएगा अब जीरो का मतलब ये कॉम्प्लेक्स ऐसे आया वैसे आयरन के साथ होगा तो आगे एक कोऑर्डिनेशन दूसरे कोऑर्डिनेशन को अट्रैक्ट नहीं करेगा इसका मतलब साफ है कि वाला नहीं करता तो मैंने पूरा पढ़ाई दिया इसको खैर कोई बात नहीं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया तो टोटल सात नहीं होगा है ना एक कैंसिल हो जाएगा तो ये आपको ध्यान रखना है अगला सवाल बच्चों क्वेश्चन नंबर फिफ्टी तो क्वेश्चन नंबर जो फिफ्टी है बच्चों वो ये कह रहा है हाउ मेनी कंपाउंड या कंप्लेक्स गिफ्ट AgCl प्रेसिपिटेट विध एक्स बड़ा सिंपल है देखो, theory, अंदर आ जाएगा। तो देखो बच्चो क्लोरिन बाहर है यह क्लोरिन आराम से प्रेसिपिटेट करेगा और टू मोल एजीसीएल पीपीटी कर जाएगा तो वैसे तो देखें अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट टू मोल की बात कर रहा है तो पहला ही वाला आंसर सही है फिर भी आप बाकी वाला क्या कह रहा है कोबाल्ट, ये आपका देखिए चार है, देखो एमीन है देखो बेटो, जो न्यूट्रल उसको पहले के प्रेसिपिटेट करेगा। तो ये आंसर नहीं होगा अब ये वाला आप देख लो तो ये वाला एग्जाम्पल आप देखते हो है ना? ये वाला? तो ये H2 बाहर आ जाएगा और ये प्लेटिनम प्लैटिनम फोर ये आ जाएगा तो ये कोई भी मोल HCl AgCl प्रेसिपिटेट नहीं करेगा क्योंकि इधर प्राइमरी में वैलेंसी में काउंटर आयन में आपका H है बच्चों अगला सवाल देखते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर फोर ऑप्शन तो फोर में बच्चों प्लेटिनम और ये आपका डायमीन और ये डाइक्लोराइड इस तरह से तो आगे जो है तो कोई पीपीटी नहीं देगा नो no पीपीटी ये बनेगा ये आपको

डी सेवन कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए और इसके साथ जो है तो एस होना चाहिए इन जनरल बात है ये तो इन जनरल है ना तो देखो बच्चों लो स्पिन है ना ये देखते हैं अच्छा थ्री डी पे रहेगा और फोर डी और फाइव डी पे देखो फोर डी एंड फाइव डी सीरीज पे ये फोर टू वही है है ना सेम फोर टू सेवन फोर इसमें चाहे डब्ल्यू आए सुनो बच्चों या एस आए सबके साथ ये लो स्पिन ही होगा मतलब ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा देखो ये सीएफटी का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का एक सिंपल ट्रेंड है है ना मतलब ये फैक्टर अफेक्टिंग में अपन लोग पढ़ते हैं तो अब आंसर देखिए तो ये आएगा देखो ये बिल्कुल सही है ये भी सही है बच्चों देखो ये क्यों सही है सुनना क्योंकि डी सिक्स कौन सा है फोर डी सिक्स है और फोर्टी सिक्स में क्या लिखा है डब्ल्यू एफ एल तो डब्ल्यू एफ एल मतलब पेयरिंग देखो WFL तो नहीं कराएगा लेकिन ये मेटल आयन का जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होता है ठीक है? है इसलिए क्योंकि डी फाइव में डब्ल्यू एफ एल है तो डब्ल्यू एफ एल जो है तो है ना पेयरिंग थ्री डी सीरीज में नहीं करा पाता है, है ना चलिए अगला सवाल बच्चों क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स में हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ठीक है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट एंड एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फार्मूला दिया है बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है बच्चों ये एनसीईआरटी में भी दिया है और आपके है ना इंपॉर्टेंट रिएजेंट भी है ये देखो बच्चों सल्फेट काउंटर आयन है तो सल्फेट पे 2 माइनस इस पे 1 प्लस खास बात बता देते हैं ऑलवेज प्लस वन में रहता है ये न्यूट्रल होता है, इसलिए आयरन का ऑक्सीडेशन तो मेजोरिटी अच्छा देखो तो को देखोगे तो मेजोरिटी जो है तो आपका डब्लूल है मान लेते हैं एक एन NO ओ है, नाइट्रोसोनियम इसको बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग है है ना कोई बात नहीं लेकिन एक कुछ

आपका आ जाएगा कितना जाएगा बच्चों थ्री पॉइंट है ना और ये करीब करीब सेवन बी एम बोर मैग्नेटॉन तो ये कहने का मतलब अब आप ये देख लो कौन सा क्वेश्चन आएगा आउटर डी और रूट थ्री. तो बेस्ट आंसर होगा आपका तीन ये देख लो बच्चों है ना कि फिफ्टीन रूट आ जाएगा है ना और ये इस तरह से बाकी आंसर नहीं होंगे बच्चों अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन फिफ्टी सेवन में कह रहा है बच्चों फेसियल एंड मेरी डौएना.

और ऑक्टाइड्रल में तीन ये देखो ए, ए ए एक फेस में मतलब 90 डिग्री यानी सिस को अपन ये फेशियल बोलते हैं फेशियल का मतलब है एट 90 डिग्री ये देख लो जबकि है ना यहां पर आप ये देखोगे बी बी को आप मान लो ऐसे ले लो ये बी ये बी ये बी अलग कलर में लिख दिया मैंने बी 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 नाइन्टी डिग्री ये सब फेशियल है लेकिन अगर ट्रांस करना है ना बच्चों तो ये मेरीडॉइनल का मतलब ये हो जाएगा देखो इस तरह से आप ऐसे ऐसे कर दोगे तो यहां पर दो ए ए और एक ए ट्रांस में हो जाएगा ये देखो तो ये बच्चों एक्चुअली ए ए अब बाकी बचा हुआ जो लिगेंड होगा है ना बी बी ये मेरिडियन कि मेरी मेरी का मतलब होता है मेरिडियन तो आप ये देखेंगे इसलिए ये बेस्ट आंसर ये होगा अगला सवाल बच्चों क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो फिफ्टी एट है क्या कह रहा है कि विच इज इनकरेक्ट Incorrect का मतलब है करेक्ट का answer, जो होगा, होगा, तो करेक्ट ये, ये काउंटर अगर राइट हैंड साइड में रहता है तो उधर केटाइन और ये माइनस ये ट्रू है तो मतलब ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इनकरेक्ट को देखना है सो ज्योमेट्रिकल ये गलत है बच्चों इसलिए गलत है तो ये आंसर होगा क्योंकि कोबाल्ट है है ना ये देखो सब में बाईडेड है ये ऐसे है ना इन है ये देखोगे इन है और ये देखोगे है तो एक्चुअल में ये आप ये देखोगे बाइडेड है बच्चों अब बाइडेड है तो ये देखो ये एक्चुअली क्या है इसमें जी आई शो नहीं करेगा ये ज्यादा से ज्यादा डेक्सट्रेंट लीवो ओनली ऑप्टिकल सो करेगा जी आई बिल्कुल सो नहीं करेगा इसलिए आंसर ये होगा फिर लिखा है न्यूट्रल ये सही है मतलब ये आंसर नहीं होगा ये इज अ डीप ब्लू कलर हाँ बिल्कुल अब आपको आपके मन में आएगा कि भाई हम सर कैसे जानेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स का ब्लू कलर होगा बिल्कुल आप नहीं जानेंगे है ना लेकिन ये एनसीईआरटी में दिया है जब आप अमोनिया पढ़ते हैं पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली में चलिए वहां पर लिखा है फिर भी मैं आपको बता देता हूं आपको कलर्ड देखना है क्योंकि देखो ऐसे भी जानते हो कि मोर देन वन आंसर होता नहीं है, है ना अब कॉपर टू प्लस है तो कॉपर टू प्लस है डी नाइन है तो आपको तो ये पता है ना कि डी वन से डी जो है तो डी वन से डी नाइन के बीच में कलर्ड होता है और ये बिल्कुल सिंपल है कॉपर टू प्लस का कलर डी ब्लॉक में भी एक टेबल में दिया हुआ है कलर आपको याद करना चाहिए तो ये ब्लू कलर होता है कॉपर टू प्लस का एक्वस में है ना अमोनिया है एस एफ एल है तो कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है डी ब्लू हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है अगला सवाल अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन तो फिफ्टी वन में ये देखिए रिगार्डिंग द कंप्लेक्स ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट फिर से इसमें गलत कंसेप्ट चुनना है है ना? गलत चुनना है। तो देखो छोटा -छोटा है साइनाइड अच्छा एसिड तो तो हो होता है आसान क्वेश्चन है, तो है। साइनाइड, है, है ना आयरन इज ए लुइस एसिड ये भी सही है इट इज कैटायनिक कंप्लेक्स ये गलत है क्यों क्योंकि काउंटर आयन इधर है और इधर थ्री माइनस तो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो ये गलत हो जाएगा फिर अगला डी इट प्रोड्यूसेस टेन मोल आय ये टेन आय इन सोल्यूशन गलत है बच्चों टेन आय नहीं होगा क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स को तुम पानी में डिसॉल्व करोगे ना बच्चे तो ये केवल थ्री के आयन एक्वस और ये बन जाएगा एफ सी एन होल सिक्स थ्री आयन अब ये देखो ये आयरन और साइनाइड ये नॉन आयोनिजल होते हैं ठीक है तो ये आगे आयन जो है तो नहीं बनाएंगे तो केवल है ना एक या तीन मोल एक मोल इन आयन टोटल चार आयन बनेंगे है ना तो ये भी गलत है तो बेस्ट आंसर क्या होगा क्या कह रहा है बच्चों इनकरेक्ट पूछ रहा है ओके क्या पूछ रहा है इनकरेक्ट तो गलत चुनना है तो देखो ए बी तो सही है मतलब आंसर नहीं होगा अब गलत चुनना है इनकरेक्ट पूछा है तो ये आंसर सही होगा तो सी डी तो आंसर विल बी दी डी यानी आंसर विल बी थर्ड नंबर अगर पूछता करेक्ट अगर पूछता करेक्ट तो आंसर क्या आ जाता बेटा ए बी आता क्या आता करेक्ट में ए बी लेकिन पूछा है इनकरेक्ट इसलिए आंसर हो जाएगा सी डी और अगर करेक्ट होता तो आंसर आ जाता ए बी इस तरह की बात है चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर सिक्सटी लास्ट क्वेश्चन है तो लास्ट क्वेश्चन है आयु पी एस सी नेम ये बड़ा अजब गजब क्वेश्चन है नेम सोडियम सोडियम हालांकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट एजेंट है इसका फार्मूला वैसे आपको आना चाहिए बच्चों सोडियम जो नाइट्रोप्रोसाइड है देखो तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फार्मूला लिख लो एन ए टू ये एफ और ये साइनो पेंटा साइनो होता है और एनो होता है ये देखो इस पे प्लस आता है बच्चों और आयरन पे टू प्लस होता है ठीक है ध्यान रखना तो देखो ये सोडियम होगा तो आप पहले लिख देंगे सोडियम वन लीटर गैप एक लीटर गैप आएगा बच्चों क्योंकि के और एनायन के बीच में एक लीटर गैप आता है और बाकी के बीच में कोई गैप नहीं आता है तो वैसे देखो यहां पर भी गैप नहीं आएगा इसको आप लोग है ना देखिए ये केवल गैप यहां पर आएगा यहां पर गैप नहीं होगा पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको यहां तक लिखना है केटायन मतलब काउंटर आयन और कंप्लेक्स के बीच में गैप आता है तो क्या हो जाएगा इसका बच्चों देखो अल्फाबेट में लिखना है तो ये क्या हो जाएगा पेंटा साइनाइडो देखो बच्चों इसमें दोनों नाम आता है साइनो है, है और न्यू में मॉडर्न में नाइडो. तो ये सही है क्योंकि बेटा नाइट्रोसोनियम तो नाइट्रोसोनियम या सिलियम नाइट्रोसिलियम सिलियम लिख दें सोनियम लिख दें और ये बेटा जब एनायन होता है सुनो तो इसमें क्या लगता है फेरेट एट लगता है। किसमें लगता है 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 ना फेरेट सीएमआई के साथ लगता है और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो बेस्ट आंसर ये फोर होगा ठीक है तो ये आपका सिंपल ये तो लोकल नेम है कॉमन नेम है ये नहीं होंगे दोनों में पहचानना है क्योंकि एक ऑक्सीडेशन तो इसमें प्लस टू होता है क्योंकि आपको देखो अगर आप नाइट्रोसोनियम का न्यूट्रल मानेंगे तो आंसर थ्री आएगा तो जब थ्री मानेंगे तो फिर नाइट्रोसिल होगा तो अगर इसको मानते हैं तो ये गलत हो जाएगा तो कैसे भी आप करोगे तो भी ये गलत होगा इसलिए द बेस्ट आंसर होगा फोर इस तरह से बच्चों हैव नाइस डे गुड डे थैंक यू वेरी मच